चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। जो सेमिनार का हमारा टॉपिक है वो है हार्ट्स एंड माइंड, सेमिनार ऑन साइकोलॉजी ऑफ हार्ट डिसीज़। तो बेसिकली जब हम हार्ट की बात करते हैं या दिल की बात करते हैं, अब हार्ट का जो वर्ड उन्होंने इंडियन लैंग्वेजेस में यूज़ किया जाता है वो दिल के रूप में किया जाता है। और दिल जो है, हार्ट जो है, बेसिकली एक सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर बेसिकली वर्क करता है। पर यदि हम लोग लिटरेचर देखें या मूवी देखें, गज़लें देखें, नज़में देखें, या कोई रोमांटिक बुक्स वगैरह, आप रोमांटिक या कोई सी भी बुक्स वगैरह आप देखेंगे, तो दिल को डायरेक्टली कनेक्ट किया गया है कहीं ना कहीं लव के साथ में, हैट्रेट के साथ में, अलग अलग चीज़ों के साथ में। अब ये कनेक्शन ऐसे ही नहीं आया है कि हमें इस तरीके से लग रहा हो कि हार्ट है। अब हार्ट बेसिकली एक पंपिंग सिस्टम है, और यदि वो पंप कर रहा है तो प्रॉब्लम ये होती है कि ये सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए तो ठीक है, पर इसको लव के साथ में, हेटरेट के साथ में, घृणा के साथ में, अलग अलग तरीके के इमोशंस के साथ में कनेक्ट कर दिया गया है लिटरेचर के अंदर, और हमारी नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर भी है ना, कि दिल टूट गया, दिल मिल गए, है ना, दिल खुश हो गया। अब दिल खुश कैसे हो सकता है? उसके पास न तो थॉट है, न थॉट प्रोसेस है, न थिंकिंग है। उसके बाद भी वो खुश हो रहा है, वो दुखी हो रहा है, वो टूट रहा है, वो बेईमान हो रहा है, वो शैतान हो रहा है ना। अलग-अलग लिटरेचर में बहुत सारे एनालॉजीज मिलती हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स इस तरीके के मिलते हैं। तो अभी जितने लोग ज्वाइन हुए हैं उन ग्रुप में से कोई पर्सन इस तरीके से बता सकता है कि ये वाला कनेक्शन आपके हिसाब से क्या हो सकता है? फिर मैं बता रहा हूँ। नहीं, आवाज़ तो नहीं आ रही मुझे। चलिए ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। जब हम कहीं ना कहीं इमोशंस की बात करते हैं, लव हो, हेट्रेड हो, फियर हो, एंगर हो, जॉय हो, सैडनेस हो, किसी तरीके के भी इमोशन की यदि हम बात करते हैं, तो वहाँ जो है हम हार्ट की बात करते हैं, दिल की बात करते हैं, मन की बात करते हैं, है ना। तो अल्टीमेटली हम बेसिकली रिफर हार्ट को कर रहे हैं, पर बात हम इमोशन की कर रहे हैं। अब इमोशन और हार्ट किस तरीके से कनेक्ट है? कि कोई इमोशन जो है वो ब्रेन फंक्शन है, वो एक एक फंक्शन ऑफ ब्रेन है, पर उसके अंदर कहीं ना कहीं हार्ट हाईली इन्वॉल्व होता है, इसलिए शायद जितना लिटरेचर है वो हार्ट के साथ में इमोशन को कहीं ना कहीं कनेक्ट किया हुआ है। यदि देखें हम कि दो अलग अलग तरीके के सिस्टम है हमारी बॉडी में, एक होता है CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और एक होता है ANS ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सारे जितने तरीके के इमोशन है, खास करके लव, हैट्रेट, फियर, एंगर, सैडनेस, जॉय, ये सारे जो इमोशंस हैं वो CNS के थ्रू नहीं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू वर्क करते हैं। अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जब भी हम लोग जैसे एकदम से जो डर है, फियर आया, कोई शेर आया, कोई भालू आया, या कोई पर्सन आया, कुछ भी आपको डर वाली चीज महसूस हुई, तो आप सोचो उसके पहले, मतलब आपके थॉट प्रोसेस में आए उसके पहले बॉडी में चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं, और वो जो चेंजेस होते हैं वो पूरा का पूरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम चेंज करता है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम डायरेक्टली ब्रेन के डायरेक्टली हमारे कंट्रोल में नहीं होते, ब्रेन के कंट्रोल में तो होता ही है क्योंकि ब्रेन फंक्शन है, डायरेक्टली हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, वो कंट्रोल में होता है ब्रेन के, डायरेक्टली ब्रेन के कंट्रोल में होता है। अब होता क्या है कि जैसे ही फियर सामने आया, आपके फिजियोलॉजिकल चेंजेस होने लगेंगे, और सबसे प्रोमिनेंट जो चेंज हमें महसूस होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि केवल हार्ट में ही या हार्ट की पल्स में, ब्लड प्रेशर में या रिदम में ही चेंजेस होते हैं,
उसके अलावा बॉडी में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस होते हैं जो देखेंगे हम लोग आगे, पर ये चेंजेस जो है सबसे ज़्यादा महसूस हार्ट का ही करते हैं। तो यदि हम डरे हैं तो दिल की धड़कनें बढ़ जाएगी, यदि हम कोई भी इमोशन फील कर रहे हैं, लव फील कर रहे हैं, हेटरेट फील कर रहे हैं, तो हम उस चीज़ को फील करते हैं। जैसे हम मान लो कहीं स्टेज पर चढ़े हैं, कोई परफॉर्म करने के लिए चढ़े हैं, या कहीं डरे हुए हैं किसी चीज़ से या घबराए हुए हैं, तो हम अपनी खुद की हार्ट बीट महसूस कर सकते हैं, पल्पिटेशन हम लोग महसूस कर सकते हैं। यहाँ तक कि जब एनजाइटी डिसऑर्डर में हम लोग बात करते थे, हमने क्लासेस वगैरह में भी पढ़ा हुआ था कि एनजाइटी डिसऑर्डर में पल्पिटेशन जो है, हार्ट जो बीट है वो, क्योंकि एनजाइटी में भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड रहता है। तो बेसिकली जब भी कोई ना कोई इमोशन रहता है हमारी बॉडी के अंदर, कोई भी इमोशन हम लोग फील करते हैं, कोई भी इमोशन हम फील करते हैं, तो होता क्या है कि ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम एक्टिवेट होता है। और ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम में मेजरली जो हम फील करते हैं वो हार्ट को फील करते हैं, इसीलिए वो कनेक्शन बना हुआ है कि जब भी हम कोई ना कोई डरेंगे तो हमें हार्ट बीट या वो पता चलेगा। यदि डिप्रेस है तो हमें पता चलेगा कि हार्ट के अंदर हार्ट ब्रोकन है, या आप अच्छा नहीं महसूस कर रहे हो तो वो पल्स रेट, ब्लड प्रेशर, उनके वेरिएशंस भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो हार्ट और आपके इमोशन का बेसिकली कनेक्शन है। और यदि आप कोई सा भी लिटरेचर देखोगे, चाहे वो गज़ल की हो या कोई मूवी हो, कोई डरावनी मूवी हो, या कोई सा भी रोमांटिक या और कोई सा भी नॉवेल हो, हर नॉवेल के अंदर कहीं ना कहीं इमोशनल इमोशन का प्ले है ना। एक इमोशन आ रहा है, दूसरा इमोशन आ रहा है, तीसरा इमोशन आ रहा है, और वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये वाली एनालॉजीज जो है हार्ट और इमोशन के कनेक्शन के बीच की एनालॉजी हमेशा से यूज करते आ रहे हैं और हमेशा से करते रहे हैं। क्योंकि ये इमोशन डायरेक्टली सीएनएस से कंट्रोल ना हो करके एएनएस से कंट्रोल होता है, तो इसमें भी डिफरेंसेस होते हैं। यदि हम थोड़ा सा बेस में जाएं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर नए हैं जिन्होंने सीएनएस वगैरह उनको नहीं पता होगा, तो मैं बहुत ब्रीफली सीएनएस एएनएस के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। सीएनएस जो है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग तरीके के नर्व्स होते हैं। नर्व्स बेसिकली नसों को, हिंदी में तो नसें बोलते हैं पर इंग्लिश में नर्व्स बोलते हैं। अब वो नर्व्स जो हैं या नसें जो हैं, आर्टरीज और वेन्स जो हमारे हार्ट से निकल करके जो ब्लड सप्लाई के लिए यूज होती है, उससे अलग है, उससे डिफरेंट है ना। वो बेसिकली एक पूरा स्ट्रक्चर है हमारी सेंस ऑर्गन से, चाहे वो आँखों के जरिए हो, मतलब विजुअल सिस्टम हो, ऑडिटरी सिस्टम हो, ऑल्फैक्ट्री हो, गेस्टिटरी हो, टैक्टाइल सिस्टम हो, सारे सिस्टम से इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन तक, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होते हुए आपके ब्रेन तक, और ब्रेन से जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी इंस्ट्रक्शन है वो आपके मसल्स तक, दोनों डायरेक्शन के, ब्रेन से सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक, और ब्रेन से सेंस ऑर्गन तक सारी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए पूरा का पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम काम करता है, थ्रू द हेल्प ऑफ पेरिफेरी नर्वस सिस्टम। और ये बहुत एक्टिवली वर्क करता है, मतलब हमारे कंट्रोल में सारी चीज़ें हैं, है ना। आंखें बंद करना चाहेंगे तो हम बंद करेंगे, खोलना चाहेंगे तो खोलेंगे, है ना। हाथ उठाना, हाथ रखना, बोलना, ये सारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे डायरेक्टली वर्क करते हैं। इसके अलावा एक और सिस्टम होता है जो ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम कहलाता है, जिसके अंदर डायरेक्टली हमारा कंट्रोल नहीं होता, मतलब डायरेक्टली वॉलेंट्री कंट्रोल नहीं होता, पर इनवॉलेंट्री कंट्रोल बॉडी का पूरा होता है। और ये खास करके जितने भी तरीके के इमोशंस हैं उस टाइम में ह्यूमंस के अंदर जनरेट होते हैं। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में भी दो अलग अलग सिस्टम्स डिक्लेयर किए हुए हैं। पहला जो है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, जो आप यदि डर, गुस्सा, एंगर, जो भी तरीके का इमोशन, या स्ट्रेस, स्ट्रेस भी इस काइंड ऑफ इमोशन, यदि आप कहीं भी महसूस कर रहे हो आप, तो
बॉडी के अंदर एक पर्टिकुलर चेंजेस होना शुरू होते हैं और वो एक साथ होते हैं थ्रू द एचपी एक्सेस। लास्ट ईयर हम लोगों ने कहीं ना कहीं क्लास के अंदर एचपी एक्सेस पढ़ा हुआ था कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी और एड्रेनलिन एक्सेस के थ्रू ये सारे चेंजेस होते हैं और कॉर्टिसोल जो हार्मोन है वो भी इसके इसी एक्सेस के बाद में रिलीज होता है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में प्यूपिल डायलेशन मतलब आंखों की पुतली का बड़ा हो जाना, जो सेलिवरी ग्लैंड्स हैं जो सलाइवा वाली ग्लैंड्स है वो कम हो जाती है, ब्रोंकी आपके रिलैक्स ज़्यादा हो जाती है क्योंकि आप ज़्यादा सांस ले पाए, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर आपका इंक्रीज हो जाता है, डाइजेशन या डाइजेस्टिव सिस्टम आपका रिलेटिवली स्लो हो जाता है, डाइजेशन वर्क नहीं करता है। इसके बाद इंटेस्टाइन की जो मसल्स है वही डाइजेशन वाले प्रोसेस में ही इंटेस्टाइन वाली मसल्स जो है वो वर्क रिलेटिवली कम करती है। जो हमारा लीवर है वो ग्लूकोज बनाने लगता है और यदि स्टोर्ड ग्लूकोज हमारे पास इसके अंदर लीवर के अंदर रहता है तो वो रिलीज करने लगता है अलग अलग ट्राइग्लिसराइड और अलग अलग फॉर्म के अंदर, और दूसरे सिस्टम भी अफेक्टेड होते हैं। पर सबसे ज़्यादा जो सिस्टम अफेक्ट होता है और हम लोग महसूस करते हैं वो हार्ट वाला सिस्टम होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम चीज़ों को एक्टिव या एक्टिवेट करने के लिए काम में आता है, मतलब यदि आप फियर महसूस कर रहे हो तो वो एक्टिवेशन उस चीज़ से होगा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से। पर यदि आपको डर महसूस हुआ या शेर आया और आप डर रहे हैं तो पूरा का पूरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा जिसके अंदर प्यूपिल डायलेट हो जाएंगे, जो भी अपन ने देखा ये सारी चीज़ें हो जाएगी जिससे कि आप दो चीज़ें कर पाओ, है ना, बाद में तीसरी चीज़ भी जुड़ेगी पर दो चीज़ें बेसिकली कर पाओ, फाइट और फ्लाइट। फाइट का मतलब है कि जो भी आपके पास स्ट्रेसर है जो भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है उससे आप लड़ पाओ या उस चीज़ से दूर भाग पाओ, फ्लाइट कर पाओ। फाइट और फ्लाइट ये वो एनिमल इंस्टिंक्ट में है। तो दोनों चीज़ों के लिए चाहे आपको लड़ना हो उसके लिए भी आपको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, और भागने के लिए भी इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि जैसे ही सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो बॉडी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंच रही है, ब्रोंकाई ऐसे भी रिलैक्स हो रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मतलब आपका जो सांस लेने की स्पीड है वो भी आपकी इंक्रीज हो रही है, आपका ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है, यहाँ तक कि जो लीवर है वो रिलीज कर रहा है ग्लूकोज, यहाँ तक कि रिजर्व ग्लूकोज रिलीज कर रहा है जिससे कि आप एक्टिवेट हो सको, लड़ सको या भाग सको। पर और पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है, इसका रिवर्स होता है कि ये सारी चीज़ें एक्टिवेटेड है, ये पूरी एक्टिवेटेड चीज़ वापस रिलैक्स होने की साइड में चली जाएंगी। जो भी प्यूपिल डायलेशन है वो प्यूपिल वापस कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, सलाइवा वापस बनने लगेगी, है ना, हार्ट रेट है वापस स्लो हो जाएगा, ये सारी चीज़ें वापस हम लोग काम डाउन वाली स्टेट के अंदर आ जाएंगे। मोस्टली सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक से रिवर्स काम करते हैं, जब लोग हम लोग एक्टिवेटेड होते हैं कहीं ना कहीं इमोशन से घिरे होते हैं तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट रहता है और जैसे ही वो स्ट्रेसर जो प्रॉब्लम है जो इमोशन है वो जैसे ही सब्साइड होता है आपका पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है और आपको बॉडी को वापस नॉर्मल होम्योस्टेसिस स्ट्रेसिस वाला जो स्टेट है वो लेकर के आ जाता है, उससे ह्यूमंस वापस रिलैक्स हो जाता है। पर होता क्या है, जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो ये बेसिकली एक स्ट्रेस रिस्पॉन्स क्रिएट करता है। अब ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स है ना पिट्यूटरी जो एचपी एक्सेस अपन ने बताया था कि ब्रेन से पिट्यूटरी ग्लैंड से होते हुए एड्रेनल ग्लैंड और एड्रेनल से कॉर्टिसोल रिलीज होता है, वो कॉर्टिसोल रिलीज कहाँ होता है, ब्लड के अंदर ही रिलीज होता है और वो सारी चीजें एक्टिवेट करने में मदद करता है। अब कई बार क्या होता है कि हमारी लाइफ के अंदर पुराने टाइम में जब
जब सिचुएशंस, जब लोग हम लोग जंगल में रहा करते थे तब स्ट्रेस जो है वो कुछ सेकंड कुछ मिनट के लिए आता था कुछ, और उसके बाद में वो चले जाते थे। खाना नहीं मिल रहा है, कुछ टाइम का स्ट्रेस है, आपने कुछ शिकार कर लिया या कुछ फल फ्रूट कहीं ना कहीं ढूंढ करके ले आए, आपने खा लिया, स्ट्रेस कम हो गया। शेर आया, आप कहीं पर चढ़ गए, कहीं छुप गए, शेर चला गया, स्ट्रेस खत्म हो गया। पर आज की कंडीशन के अंदर वो वाले स्ट्रेसेस नहीं है, पर बॉडी जो है वो उसी तरीके से रिएक्ट कर रही है। और अभी के टाइम के अंदर फैमिली के अंदर से स्ट्रेस हो रहे हैं, जॉब के स्ट्रेसेस हो रहे हैं, स्कूल के, कॉलेजेस के, इसके अंदर जो भी इवेंट्स हो रहे हैं उसके थ्रू स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है। और ये वाली सिचुएशन के अंदर यूजुअली क्या होता है कि ये स्ट्रेस क्रिएट जरूर होते हैं पर कुछ समय के लिए नहीं चले जाते, कि 5 मिनट के लिए कोई स्ट्रेस हुआ और चले गया। मोस्ट ऑफ द स्ट्रेस आर सस्टेन्ड, मतलब क्रॉनिक स्ट्रेस है। और वो स्ट्रेस यदि सामने है और वो कंटिन्यूअस है, मान लो किसी की जॉब नहीं लग रही है, अब वो जॉब नहीं लग रही है तो वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेस में है, क्रॉनिक स्ट्रेस में। और क्रॉनिक स्ट्रेस में ऐसा नहीं है कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वाला रिस्पॉन्स है वो कुछ समय के लिए एक्टिवेट हुआ फिर पैरासिंपैथेटिक एक्टिवेट हो गया। जब तक स्ट्रेस है बॉडी तब तक एक्टिवेट स्टेट के अंदर रहती। तो होता क्या है कि कंटिन्यूअस और क्रॉनिक स्ट्रेस जो है वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट करता है। और जब भी हम स्ट्रेस में रहते हैं कॉर्टिसोल रिलीज होता है, और कॉर्टिसोल जो है वो आपके लिवर को इंस्ट्रक्ट करता है अलग अलग तरीके के चीज़ें रिलीज करने के लिए। सबसे पहला तो जो जो रहता है वो ग्लूकोज रिलीज करने के लिए, क्योंकि बॉडी को तैयार करना है फाइट और फ्लाइट के लिए तो ग्लूकोज रिलीज होता है। इसके अलावा बॉडी को और भी बहुत सारी चीज़ों की जरूरत है, चाहे आप स्ट्रेस में हो या नहीं हो। यदि कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो कोलेस्ट्रॉल रिलीज करना जो है, कोलेस्ट्रॉल ऐसा नहीं है कि हमेशा हम लोग, क्योंकि हार्ट की बात कर रहे हैं, हार्ट डिसीजेज की बात कर रहे हैं, तो हम हमेशा सोचते हैं कि कोलेस्ट्रॉल इज अ बैड थिंग, पर हमेशा नहीं होता है। कोलेस्ट्रॉल इज़ ए गुड थिंग इन अ सर्टन अमाउंट, मतलब यदि उसका अमाउंट ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड अमाउंट है, तो वो अच्छी है। वो अपन आगे थोड़ा सा उसको डिस्कस करेंगे, पहले बात करते हैं हार्ट की। हार्ट बेसिकली एक पंपिंग सिस्टम है जो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी चीज़ें थ्रू आर्टरीज एंड वेन्स, आर्टरीज एंड वेन्स मतलब आर्टरीज जो अच्छा ब्लड जो है बॉडी के अंदर पहुंचाती है, और वेन्स जो है वो बैड ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट के अंदर लेकर के आती है। ये पूरा एक साइकिल बना हुआ है, पूरा एक सिस्टम बना होता है जिसको सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है, वेस्कुलर सिस्टम कहा जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि ब्लड बेसिकली बहुत सारी जो क्या बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स है, ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है, बहुत सारी चीज़ें बॉडी के सारे हिस्सों तक पहुंचाता है। अब वो पहुंचाने का सबसे इम्पोर्टेंटली जो पहुंचाता है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लंग्स से ऑक्सीजनेट होता है ब्लड, और उसके बाद में पूरा का पूरा ब्लड पूरे बॉडी के अंदर पहुंचता है। दूसरा ब्लड का जो मेजर वर्क होता है वो होता है ग्लूकोज पहुंचाने का। तो ग्लूकोज जो है बेसिकली शुगर है, जो भी हम खा रहे हैं इंटेस्टाइन्स, लार्ज इंटेस्टाइन जो आपसे गट के जरिए एब्जॉर्ब होता है, ब्लड स्ट्रीम में जाता है, और ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद वो पूरी बॉडी में पहुंचता है। क्योंकि मोस्टली लगभग लगभग सारे ऑर्गन्स जो कंज्यूम करते हैं एनर्जी के लिए, जो कंज्यूम करते हैं वो ग्लूकोज ही कंज्यूम करते हैं। कुछ मात्रा के अंदर लिपिड्स भी कंज्यूम होते हैं, जैसे हमारे न्यूरॉन्स जो है उसकी प्रोटेक्टिव लेयर के लिए लिपिड्स ज़रूरी है, मतलब लिपिड मतलब ऑयली थिंक उसकी आवश्यकता होती है। और ये जो लिपिड है इसमें दो लिपिड्स इम्पॉर्टेंट है, और वो हार्ट डिसीज में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला होता है कोलेस्ट्रॉल और दूसरा है ट्राइग्लिसराइड। दोनों के दोनों लिपिड्स आपका लिवर खुद बनाता है। हमने सुना होगा कि कोई सी चीज़ खाते हैं ये उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है या ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है। बेसिकली बॉडी के अंदर यदि आप चीज़ों का ध्यान दें,
कि लीवर जो है वो दोनों कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड दोनों बनाता है। अब दोनों यदि वो खुद ही बनाते हैं, हम खुद ही बनाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो बॉडी के लिए यूजफुल नहीं होगा, क्योंकि अनयूजफुल चीज़ें नहीं बनाते हम लोग बॉडी के अंदर, और नॉर्मल फंक्शन में ये बनाता है, लीवर बनाता है। अब जब ये लीवर ये सारी चीज़ें बनाता है, तो ये कहीं ना कहीं मदद करती है आपको। एक तो एनर्जी सोर्स के अंदर आपका आपकी हेल्प होती है, क्योंकि अल्टीमेटली ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल जो है वो एक एनर्जी सोर्स भी है ना। तो प्राइमरी बॉडी का प्राइमरी जो एनर्जी सोर्स है वो ग्लूकोज है, पर सेकेंडरी जो है वो लिपिड्स भी है, वो फैट्स भी हैं, है ना। और बहुत सारे जो आपके हार्मोन्स हैं उनको रेगुलेट करने में और सर्कुलेट करने में, दोनों चीज़ों में, रेगुलेट में और सर्कुलेट में, ये लिपिड्स मतलब कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड दोनों बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो ये यदि बॉडी के अंदर नहीं होंगे, तो कोलेस्ट्रॉल यदि बॉडी के अंदर नहीं होगा और ट्राइग्लिसराइड बॉडी के अंदर नहीं होगा, तो बॉडी प्रॉपरली फंक्शन ही नहीं करेगी। तो हमारी बॉडी के अंदर एक नॉर्मल लेवल, सम काइंड ऑफ नॉर्मल लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल हमें ज़रूरत है, और हमारी बॉडी के अंदर ट्राइग्लिसराइड की ज़रूरत है। और तीसरी चीज़, चौथी जो चीज़ है, जो हार्ट ट्रांसपोर्ट करता है थ्रू द ब्लड, वो है हार्मोन्स। हार्मोन्स जितने भी सीक्रेट होते हैं वो कहीं दूसरी जगह नहीं सीक्रेट होते। हार्मोन्स हार्मोन्स इसीलिए कहे जाते हैं क्योंकि वो ब्लड के अंदर सीक्रेट होते हैं। तो सारे हार्मोन्स ब्लड में सीक्रेट होते हैं, और उसके सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू, आर्टरीज और वेन के थ्रू, वो पूरी बॉडी के अंदर पहुंचते हैं, और वहाँ अलग अलग जगह वो कंज्यूम किए जाते हैं। आगे जाने से पहले कोलेस्ट्रॉल और हम लोग ट्राइग्लिसराइड को और डिटेल में समझे, उसके पहले हमारे साथ मोस्ट प्रोबेबली एकेडमी की टीम से दोनों जुड़े हुए, वरुण जुड़ा हुआ है और चेतन जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम लोग ये सेशन का हाफ हाफ सेशन अपना कंप्लीट मान रहे हैं हम लोग। तो मैं चाहूँगा कि ये जो एकेडमीट एप्लीकेशन है, इसके बारे में, क्योंकि आप लोग बेसिकली लगभग लगभग सारे लोग एकेडमीट के थ्रू रजिस्टर हुए हैं, और सारे लोग इन्फॉर्मेशन वहाँ से कलेक्ट करके आ रहे हैं और उसी के थ्रू जुड़े हुए हैं, कोई दूसरी बाहर के लिंक से जुड़ा हुआ है, कोई पार्टिसिपेंट, ऐसा कोई पार्टिसिपेंट है जो बाहर के लिंक से जुड़ा हुआ है, दूसरी लिंक से जो मैंने दूसरी जगह शेयर की थी, कि सारे लोग बाहर के लिंक से ही जुड़े हुए हैं? सर गूगल मीट लिंक ना। हाँ, गूगल मीट लिंक एकेडमी से जुड़े हैं या फिर अलग से आपने गूगल मीट से क्लिक करके जुड़े हैं? नहीं, सेम ही लिंक से एकेडमी से जुड़े हैं। ठीक है, ठीक मुझे लग रहा है कि दोनों एकेडमी की दोनों टीम के इनका एक दूसरी जगह बिजी है, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ये लास्ट में यदि मोमेंट आएगा तो हम लोग उनसे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लेंगे कि एकेडमी बेसिकली करता क्या है, किस तरीके से वर्क करता है ना। कौन जुड़ रहा है? सोनाली जुड़ रही है हमारे साथ में। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। रानी खंडेलवाल ये बाहर से जुड़ रहे हैं, इसलिए ये लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे ढंग से। चलिए ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने सेशन के साथ में।
चलिए, तो आगे हम देखते हैं कि यदि हम बात कर रहे हैं कोलेस्ट्रॉल की, अब कोलेस्ट्रॉल जो है एक लिपिड प्रोफाइल है। लिपिड मतलब एक जो ऑयली वैक्सी थिंग होता है ना, वैक्स जैसा ऑयली सब्सटेंस है, और ये जो सब्सटेंस है ये कोलेस्ट्रॉल जो है वो लीवर ही जनरेट करता है, मतलब लीवर ही सिंथेसाइज करता है हमारी बॉडी में लगभग लगभग 1000 मिलीग्राम के आसपास, मिलीग्राम की बात कर रहा हूँ, बहुत कम मात्रा के अंदर, पर ये लीवर खुद बनाता है और लीवर बनाने के बाद में पूरे ब्लड के अंदर सर्कुलेट करता है। तो अल्टीमेटली हमारी बॉडी को कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत है इसीलिए, और बहुत सारी चीज़ें जैसे हार्मोन प्रोड्यूस करने के लिए, आपके नर्वस सिस्टम के अंदर न्यूरॉन्स की जो लेयर आती है, एक आता है माइलिन शीथ आती है, उसको मेंटेन करने के लिए कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बॉडी के अंदर, लीवर हमेशा प्रोड्यूस करके रखता है, ये अपने डिस्कस किया हुआ है। पर यदि हम बाहर से भी कुछ कंज्यूम करते हैं, मतलब कोई सा आइटम हम कंज्यूम करते हैं, कोई सी चीज़ हम खाते हैं, उससे भी बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है, उसमें मेनली जो आते हैं वो एनिमल प्रोडक्ट आते हैं। एनिमल प्रोडक्ट में एग्स हो गए, डेयरी हो गया, मीट हो गया, और नॉन एनिमल प्रोडक्ट के अंदर जितने भी रिफाइंड फूड हो गए आपके, शायद और कोई ज्वाइन कर रहा है, आपके जितने रिफाइंड फूड हो गए वो सारे के सारे हमारे बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज कर देते हैं। अब एनिमल प्रोडक्ट के अंदर मोस्टली जो इंडियंस हैं वो एक बहुत कम लोग खाते हैं, मीट बहुत कम लोग खाते हैं, पर एनिमल प्रोडक्ट में है ना, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन में नहीं जा रहा हूँ मैं, क्योंकि एक वो कहा जाता है कि एग्स आर कंसिडर्ड एट नॉन वेजिटेरियन, मतलब अंडे जो है नॉन वेजिटेरियन कंसिडर किए जाते हैं, बावजूद इसके मिल्क जो है वो वेजिटेरियन के अंदर कंज्यूम किया जाता है। वो वाले डायलॉग के अंदर या वो वाले डिस्कशन के अंदर अभी अपन जा नहीं रहे, पर जितने भी एनिमल जो प्रोडक्ट्स हैं उसको कंज्यूम करने से, यहाँ तक कि फुल फैट डेयरी यदि आप लेते हो, दूध भी पीते हो, तो उससे भी कोलेस्ट्रॉल आपका इंक्रीज होता है, एग से भी होता है, मीट से भी होता है, और जितने रिफाइंड फूड्स हैं, पिज़्ज़ा हुआ आपका, बर्गर हुए है ना, चीज़ वगैरह हुआ, इन सारी चीज़ों से, यहाँ तक कि स्पेशली ऑर्गन मीट जो है, ऑर्गन मीट का मतलब है या तो हार्ट या लिवर, यदि ये अलग से कंज्यूम किए जाते हैं है ना, यूजुअली लोग पसंद नहीं करते, पर यदि वो कंज्यूम किया जाता है तो उसके अंदर भी हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल होता है, तो उसकी वजह से भी आपका कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज होता है। पर सारे कोलेस्ट्रॉल खराब नहीं होते, मतलब यदि आपके ब्लड के अंदर टोटल कोलेस्ट्रॉल जो है वो इंक्रीज है तो आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि टोटल कोलेस्ट्रॉल में दो तरीके के कोलेस्ट्रॉल्स इंक्लूड होते हैं, पहला होता है एलडीएल और दूसरा होता है एचडीएल, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। अब लाइपोप्रोटीन बेसिकली जो सब्सटेंस है वो उसकी डेंसिटी पे निर्भर करता है, तो हाई डेंसिटी वाला एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, और एलडीएल जो है वो एक बेड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। अब होता क्या है कि बॉडी के अंदर जितने भी लिपिड्स हैं उसको ब्लड में लाने की जिम्मेदारी जो होती है वो एलडीएल की होती है, मतलब जितने भी फैटी सब्सटेंसेस है, क्योंकि फैट जो है वो हमेशा पानी के ऊपर तैरता है, आपने देखा होगा, तो यदि कुछ तेल होगा तो वो पानी के ऊपर तैरेगा, और ब्लड जो है मोस्टली वाटर है, मोस्टली वाटर है, यहाँ तक कि हमारा बॉडी भी मोस्टली वाटर ही है, तो ब्लड यदि मोस्टली वाटर है उसके अंदर यदि ऑयली सब्सटेंस है तो वो फ्लोट नहीं करेगा, फ्लोट नहीं करेगा वो, तो बॉडी के सारे जगह तक नहीं पहुँचेगा, तो उसको एक कवरिंग रहती है, उस कवरिंग को
लाइपोप्रोटीन्स बोलते हैं, वो प्रोटीन की एक कवरिंग होती है, और उससे फायदा ये हो जाता है कि उसको जहाँ ट्रांसपोर्ट कराना है वो ट्रांसपोर्ट कराने में मदद करता है। तो वो जो लाइपोप्रोटीन होते हैं, एक डेंस वाला होता है जिसको हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन बोलते हैं, और एक लो डेंसिटी वाला होता है जिसको लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है। तो दोनों के काम अलग अलग है। लो डेंसिटी जो लाइपोप्रोटीन है वो दूसरी जगह से, अलग अलग जगह से जो लिपिड्स हैं वो ब्लड के अंदर लेकर के आता है ना। मतलब लिवर से जो चीज़ें हैं वो ब्लड के अंदर आ रही है, तो वो इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और HDL जो है वो ब्लड के अंदर से जो भी लिपिड्स हैं उसको उठा करके वो बाहर लेकर के जाता है। बाहर लेकर के जाता है मतलब आपके लिवर तक ले जाता है, वहाँ पर वो मेटाबोलाइज होता है। तो यदि आप देखोगे कि कौन सा फैक्टर ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है, या तो LDL ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या HDL है, तो दोनों इम्पॉर्टेंट है, पर HDL जो है यदि वो हाई लेवल में होगा तो आपके ब्लड के अंदर जितनी भी लिपिड्स होंगे उसको वो बाहर लेकर के जाएगा, मतलब एक्सक्रीशन में मदद करता है वो। तो वो सबसे अच्छी चीज़ है, यदि आपके बॉडी के अंदर HDL बढ़ा हुआ है तो एक अच्छी बात है, पर यदि आपकी बॉडी के अंदर LDL बढ़ा हुआ है तो वो एक रिस्क की बात है। क्योंकि अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि जितने भी लिपिड्स हैं वो ला करके वो ब्लड में लेकर के आ रहा है, तो LDL यदि इंक्रीज हो रहा है तो HDL और LDL का जो रेशियो है यदि वो डिस्टर्ब होता है, या LDL का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है HDL का लेवल कम होता है, तो आपको हार्ट डिसीज होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। अब बहुत सारी डिसीजेज हैं, एक तो ये हो सकता है कि आपका जो लिवर है, क्योंकि फैटी लिवर की हम लोग कल परसों हम लोग कुछ फ्रेंड्स डिस्कस कर रहे थे कि फैटी लिवर जो है वो बेसिकली कहीं ना कहीं कॉज करता है आपके हार्ट डिसीज में, मदद कर रहा है। क्योंकि यदि लिवर ढंग से काम नहीं कर रहा है तो जो HDL के थ्रू जितने भी कोलेस्ट्रॉल जा रहे हैं या लिपिड्स जा रहे हैं वो मेटाबोलाइज नहीं हो रहे ढंग से, और जहाँ भी LDL या HDL की ज़रूरत है उसको सिक्रीट भी नहीं कर पा रहा, उसको बना भी नहीं पा रहा। तो यदि लिवर ढंग से काम नहीं करेगा तो अल्टीमेटली वो हार्ट को अफेक्ट करेगा। तो LDL का लेवल कम से कम रखने की कोशिश की जाती है। अब वो देखेंगे हम लोग कि किस वजह, किस कौन कौन से तरीके हैं जिस वजह से हम लोग, जिसकी मदद से हम लोग कोलेस्ट्रॉल या LDL कम कर सकते हैं। दूसरा जो फैक्टर हार्ट डिसीज के अंदर आता है वो होता है ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड भी सेम लिपिड वो है, पर एक्चुअल ट्राइग्लिसराइड एक एक कंज्यूमेबल आइटम है। कंज्यूमेबल आइटम है मतलब आप जो हमारी जो बॉडी है जो ग्लूकोज बेसिकली कंज्यूम करती है, बेसिकली ग्लूकोज कंज्यूम करती है। इसका मतलब ये है कि एक सेकेंड, तो बेसिकली ग्लूकोज कंज्यूम करती है, पर जब ग्लूकोज नहीं होता है या ग्लूकोज की लेवल बॉडी के अंदर कम होता है, मतलब ब्लड के अंदर कम होता है, बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर यदि ग्लूकोज का लेवल कम होता है तो बॉडी जो है वो सब्स्टिट्यूट, मतलब ग्लूकोज अवेलेबल नहीं है, शुगर अवेलेबल नहीं है, तो कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूट ट्रांसफॉर्मेशन करती है, कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूट ढूंढती है। वो जो सब्स्टिट्यूट है वो ट्राइग्लिसराइड्स है, और हमेशा नहीं पर लगभग लगभग 5 से 10% आपकी बॉडी जो है वो ट्राइग्लिसराइड ही कंज्यूम करती है। और खास करके ये जो ट्राइग्लिसराइड है वो अलग अलग जगह डिपॉजिट हुआ जो फैट है वो ट्राइग्लिसराइड होता है, और वो बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर आपका सर्कुलेट होता रहता है। ठीक है, और जितने भी यदि आपका वेट ज़्यादा है, वजन ज़्यादा बढ़ा हुआ है, इसका मतलब है कि आपका जो फैट डिपोजिशन होता है वो बेसिकली ट्राइग्लिसराइड के रूप में होता है, जिसको लिवर जो है वो कंज्यूम करके उसको सिंपल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करके आपके ब्लड स्ट्रीम में पहुंचाता है,
और ब्लड स्ट्रीम में इसीलिए पहुंचाता है कि बॉडी के बाकी अंग उसको कंज्यूम कर सके, जैसे कि वो ग्लूकोज को कंज्यूम कर रहे हैं। तो दोनों चीज़ें, ग्लूकोज ग्लूकोज नहीं, आपके ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल, दोनों बॉडी के लिए हेल्पफुल है इन अ सर्टन अमाउंट। तो यदि वो अमाउंट लिमिटेड है तो दोनों चीज़ें हेल्पफुल है, पर हो क्या रहा है? होता यह है कि बॉडी के अंदर दोनों चीज़ों का कंजम्पशन नहीं हो पा रहा है। बॉडी रिलीज जरूर कर रही है ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल, दोनों चीज़ें रिलीज हो रही है। हम लोग बाहर से भी कोलेस्ट्रॉल और चीज़ें कोलेस्ट्रॉल कंज्यूम कर रहे हैं, तो ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल हो जाता है हाई, और उसकी वजह से धीरे धीरे अलग अलग ब्लड की आर्टरीज के अंदर होने क्या लगता है कि वो जो फैट है, वो तो जो ट्राइग्लिसराइड है, वो जो एलडीएल्स है, मतलब बेसिकली जो लिपिड है, वो एक न एक जगह डिपॉजिट होना लग जाता है। अब वो डिपॉजिट कहाँ पर होता है, कॉर्नर्स में यूजुअली डिपॉजिट होता है, क्योंकि यदि हार्ट यदि ब्लड सप्लाई कर रहा है तो वो अलग अलग जगह सप्लाई कर रहा है। तो पहले जो उसकी आर्टरीज है, मेन आर्टरीज, बड़ी बड़ी आर्टरीज हुआ करती, बड़ी आर्टरीज से फिर वो छोटी आर्टरीज और छोटी आर्टरीज और कैपिलरीज के अंदर चले जाता है। तो जैसे जैसे वो छोटी आर्टरीज होती जाती है, वहाँ जहाँ जंक्शंस होते हैं वहाँ वो अटकता है, क्योंकि है बेसिकली आर्टरीज आर पाइपलाइंस दैट आर सप्लाइंग ब्लड, मतलब बेसिकली वो सारे के सारे ब्लड ही सप्लाई कर रहे हैं, और सप्लाई है वो लिक्विड है, और वो सप्लाई के अंदर यदि कोई सी चीज़ अटकती है, कहीं ना कहीं रुकती है, तो उस पे शुरुआत फैट से होती है, पर उसमें दूसरी चीज़ें भी बिल्डअप होने लग जाती है, एलडीएल भी बिल्डअप होने लग जाता है, यहाँ तक कि जो आपका क्लॉटिंग फैक्टर्स है, क्योंकि यदि हमारे हाथ में कोई कट लग जाता है तो ब्लड निकलने जरूर लग जाता है, पर 5 मिनट के बाद बंद हो जाता है, क्योंकि वो प्लेटलेट्स है, जो WBCs है, RBCs है, वो सारे वर्क करके वहाँ एक थक्का जमा देते हैं। तो यदि यहाँ पर यदि ब्लड फ्लो स्लो है, धीरे से जा रहा है या फ्लो नहीं हो रहा, तो वहाँ भी क्लॉटिंग फैक्टर काम करता है, वहाँ भी चीज़ें जमने लगती है। अच्छा, इसको इसको एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। ये बेसिकली बिल्टअप ऑफ प्लेक इनसाइड योर आर्टरी, आर्टरी के अंदर आपका जो प्लेक जमता है ना, वो है। एक दिन में नहीं जमता, एक साल में नहीं जमता, इसमें डेकेड्स लग जाते हैं। तो यदि आपको लिवर के इश्यू है, यदि हार्ट का इश्यू है, और ये धीरे 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 एक्यूमुलेट हो रहा है, तो ये धीरे धीरे बढ़ेगा, एकदम से नहीं बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि कल आपको प्लेग था और आज प्लेग नहीं है, तो धीरे धीरे वो इंक्रीज होता है, और उसमें कई सालों लगते हैं इंक्रीज होने में। और यदि आपको कुछ अमाउंट में है भी पहले, तो यदि आप प्रॉपर मेडिकेशन, प्रॉपर लाइफस्टाइल चेंजेस करते हैं, जो अपन आगे देखने वाले हैं, तो होगा क्या कि वो सारी चीज़ें रिवर्स भी हो सकती है। ऐसा नहीं कि प्लेग जमा हुआ है, क्योंकि असली में एलडीएल यदि नुकसान कर रहा है तो एचडीएल फायदा भी कर रहा है। तो वो एचडीएल जो है, ये जितने प्लेग और जितनी जो चीज़ें जमी हुई है, वो सारी की सारी रिलीज भी कर सकता है और कम भी कर सकता है। तो दोनों चीज़ें दोनों डायरेक्शन में है। तो यदि कोई सी चीज़ कचरा आ भी रहा है तो कचरा जा भी सकता है, ऐसा है दोनों चीज़ों की सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, दोनों इसी तरीके से वर्क करते हैं। अब यदि आर्टरीज में हम बात करें, तो आर्टरीज में सबसे इम्पोर्टेंट आर्टरी जो मानी जाती है, वो मानी जाती है कोरोनरी आर्टरी। अब कोरोनरी आर्टरी बेसिकली है क्या? कोरोनरी ऐसी आर्टरी, क्योंकि बेसिकली हर ऑर्गन को, सारे ऑर्गन, पूरी बॉडी के सारे ऑर्गन, छोटे से छोटे ऑर्गन से लेकर के बड़े से बड़े ऑर्गन तक, हर बॉडी के हर ऑर्गन को ब्लड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, लिपिड्स चाहिए, इंक्लूडिंग हार्ट इटसेल्फ। मतलब हार्ट को खुद को भी तो ब्लड चाहिए, उसको भी तो एनर्जी चाहिए, उसको भी काम करना, और दूसरे मसल्स के कंपैरिजन में, क्योंकि दूसरे यदि काम कर रहे हैं तो हम हाथ एक बार उठा करके रात में जब सोते हैं तो 6 घंटे हाथ को आराम रहता है, 6 घंटे पैर को आराम रहता है, पर हार्ट के जो मसल्स हैं वो
कंटिन्यूअस काम करते हैं, और वो मसल होते भी अलग तरीके के हैं, और वो कंटिन्यूअस 24 घंटे सातों दिन, जब से आपने जन्म लिया है, जब से जन्म से पहले से, इवन जब से कंसेप्शन है और तब से लेकर के जब तक डेथ हो रही है, आपके वो मसल्स, हार्ट के अंदर के मसल्स कंटिन्यूअस काम कर रहे हैं। तो कोरोनरी आर्टरी, वो आर्टरीज है, लेफ्ट वाली और राइट वाली आपको पिक्चर के अंदर दिख रही होगी, दोनों आर्टरीज खुद हार्ट के अंदर ब्लड को सप्लाई करते हैं। अब होता क्या है, सबसे पहले मतलब वो हमारे एरोप्लेन वाला जो मैसेज आता है ना, वो वाली मुझे याद आ रहा है कि भाई खुद दूसरों की मदद करने के पहले खुद की मदद कर लो। तो हार्ट सबसे पहले खुद को ही सप्लाई करता है ना। तो सबसे पहले खुद को सप्लाई करता है, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भी वही, यदि हार्ट बंद कर दे, बंद हो जाएगा तो सारी चीज़ें बंद हो गई। तो कोरोनरी आर्टरी बेसिकली वो आर्टरी है जो अपने खुद को ब्लड सप्लाई करती है, अपने खुद को ब्लड पहुंचाती है, और उसको कंटिन्यूस सप्लाई की ज़रूरत होती है। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स भी इसी की वजह से होती है, मतलब जितने भी, यदि हार्ट अटैक लोगे इसकी वजह से है ना, क्योंकि यदि हार्ट अटैक है, जिसको मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन बोलते हैं, यदि हार्ट अटैक आ रहा है, इसका मतलब है कि ये कोरोनरी हार्ट डिसीज है। कोरोनरी हार्ट डिसीज का मतलब है कोरोनरी आर्टरी के अंदर कहीं की प्लेग जमा हो गया, जो अपन ने पहले देखा था वो जमा हो गया, और उसकी वजह से हार्ट के मसल को ही ब्लड नहीं मिल रहा है। और यदि हार्ट के मसल को ब्लड नहीं मिल रहा है तो होगा क्या, हार्ट का मसल काम करना बंद कर देगा। पहले तो अरेदमिया आएगा, अरेदमिया आएगा, या एक एक और वर्ड यूज करते हैं, एंजाइना। एंजाइना बेसिकली हार्ट पेन या स्क्वीजिंग ऑफ हार्ट वाली जो फीलिंग होती है वो होता है। तो वो एक मेजर सिम्टम होता है, एंजाइना एक मेजर सिम्टम होता है कि आपको कोरोनरी हार्ट डिसीज, और मैक्सिमम कोरोनरी हार्ट डिसीज इसी तरीके से एग्जिबिट होती है, और वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, मतलब जब तक कि प्लेग इतना नहीं जमा हो जाए कि वो ब्लड फ्लो ब्लॉक करने लगे, और जब वो ब्लॉक करने लगेगा तभी जा करके आपको पता चलेगा कि अब हार्ट डिसीज हो गई, उसके पहले नहीं। मतलब जब तक लेट नहीं हो जाते तब तक पता ही नहीं चलता है, तब तक तो पूरा सर्वाइवल चलते रहता है। तो वो कोरोनरी हार्ट डिसीज है। और यदि यही प्लेग ब्रेन के अंदर जाता है या ब्रेन के अंदर होता है, तो उसको ब्रेन अटैक बोलते हैं, जो स्ट्रोक बोला जाता है, वो बेसिकली यही प्लेग टूट करके, हट करके, या फिर ब्लॉकेज रप्चर हो करके ब्रेन की किसी आर्टरी में पहुंचता है, और ब्रेन के कुछ पार्ट में यदि ब्लड सप्लाई रुक जाता है, कुछ समय के लिए ही रुक जाता है, 2 मिनट 5 मिनट के लिए ही रुक जाता है, तो ब्रेन का वो वाला हिस्सा काम करना बंद कर देता है। यूजुअली मिडिल सेरेब्रल आर्टरी के अंदर होता है, और यूजुअली लेफ्ट साइड में होता है, राइट साइड अफेक्टेड होता है। वो भी बेसिकली सर्कुलेटरी सिस्टम के कारण ही होता है, इसलिए उसको बोलते हैं सेरेब्रो वेस्कुलर डिसऑर्डर। सेरेब्रो मतलब ब्रेन का, वेस्कुलर मतलब हार्ट वाला, तो हार्ट और ब्रेन ये दोनों के कंबाइंड डिसऑर्डर है, उसकी वजह से ये होता है। तो ब्रेन स्ट्रोक भी बेसिकली हार्ट डिसीज के कारण ही है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके कारण ही है। तो यदि आपने लाइफ के अंदर हार्ट हेल्दी रख लिया, तो पूरी की पूरी आपकी लाइफ हेल्दी हो गई। तो यदि साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर जाते हैं, तो जो रिस्क फैक्टर माने जाते हैं, अब ये कारण नहीं है, ये कॉजेस नहीं है, कॉजेस हमें पता ही नहीं है, और कॉजेस है ना निकालना, साइंटिफिक लैंग्वेज में या साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर कॉजेस निकालना, जो लिटरेचर के थ्रू, जो आप बोलेंगे एक्सपेरिमेंट के थ्रू, आरसीटीज के थ्रू यदि कॉजेस निकालने की कोशिश की जाती, तो वो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ह्यूमन सब्जेक्ट्स हैं और उन पे बहुत सारे इथिक्स लागू होते हैं, बहुत सारी चीज़ें लागू होती है, और बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं पता है अभी। तो रिस्क फैक्टर की यदि बात करें, तो डिसलिपिडेमिया जो है, जो अपन ने डिस्कस करा था, वो एक मेजर फैक्टर होता है, जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल के अंदर एलडीएल
और ट्राइग्लिसराइड, ये इंक्रीज होते हैं, इनका लेवल यदि ज़्यादा होता है तो आपको कोरोनरी हार्ट डिजीज़ के रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर यदि आपका इंक्रीज होता है तो, मेल जेंडर हुआ, ओबेसिटी हुआ, मेटाबॉलिक सिंड्रोम हुआ, डायबिटीज़ हुआ, ये बहुत सारी चीज़ें आपके रिस्क फैक्टर के रूप में काम करती हैं। एक मेजर फैक्टर ये है कि एज जैसे जैसे इंक्रीज होती जाती है, आपका जो लाइफ का कोरोनरी हार्ट डिसीज होने का जो रिस्क है वो भी वैसे ही इंक्रीज होते जाता है। तो डिसऑर्डर तो बेसिकली अपन ने देख लिया, पर डिसऑर्डर को रिजॉल्व कैसे किया जाए, हल कैसे किया जाए। तो जैसे कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कोलेस्ट्रॉल बेसिकली काम लिपिड है, मतलब वर्क क्या कर रहा है कि बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा जो फैट है उसको रिलीज कर रहा है, ट्राइग्लिसराइड एक्स्ट्रा जो आपके अंदर बॉडी के अंदर ग्लूकोज के अलावा दूसरा एक जो फैट कंजम्पशन वाला सोर्स है, एनर्जी सोर्स है, उसको रिलीज कर रहा है। अक्सर ये होता है कि हमारी लाइफस्टाइल जो है वो इतनी सेडेंटरी है कि हम एक दिन के अंदर 15 मिनट या 20 मिनट की वॉकिंग तक नहीं करते। और उसकी वजह से होता क्या है, ये जो कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल लेवल के अंदर आता है, मतलब आप सोचिए कि लिवर जो जनरेट कर रहा है 1000 मिलीग्राम पर डे जनरेट कर रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम मात्रा में। और यदि आप कुछ और भी कंज्यूम करते हैं, यदि मिल्क भी कंज्यूम करते हैं, मीट भी कंज्यूम करते हैं, यहाँ तक कि एग्स भी कंज्यूम करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मात्रा में 200 मिलीग्राम तक आपका कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज करता है। तो कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है, पर यदि वो कंज्यूम ही नहीं हो रहा है, लिपिड वो कंज्यूम ही नहीं हो रहा है, तो यदि वो कंज्यूम नहीं हो गया तो वो ब्लड के अंदर स्टैटिक रहेंगे और वहाँ वो प्रॉब्लम क्रिएट करते रहेंगे। और यदि वो यूज़ हो गए, ट्राइग्लिसराइड आपके यूज़ हो गए, लिपिड्स आपके यूज़ हो गए, तो बॉडी के अंदर ऐसे ही वो कम हो जाएगा। तो जो फिजिकल एक्टिविटी है, खास करके क्योंकि हम लोग एक वर्ड यूज़ करते हैं कार्डियो, कोई बताएगा कार्डियो का मतलब क्या होता है, क्या क्या इंक्लूड होता है कार्डियो के अंदर? सर हार्ट से रिलेटेड होता है कार्डियो पूरा। क्या होता है, कौन कौन सी एक्सरसाइजेस को बोलते हैं हम लोग कार्डियो? नो आइडिया सर। और कोई बताएगा? कार्डियो मीन्स जो भी एक्सरसाइज हम करें हाँ और जिससे कि हार्ट बीट बढ़ जाए आपकी, उसमें रनिंग हो सकती है, स्विमिंग हो सकती है, स्किपिंग हो सकती है, कोई भी चीज। बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही। तो कार्डियो बेसिकली उन्होंने वर्ड यूज ही इसीलिए किया है कि कार्डियो वैस्कुलर एक्सरसाइज, कार्डियो वैस्कुलर एक्सरसाइज के अंदर जो हार्ट है वो पंप करे ज्यादा, उसका यूज ज्यादा हो, और केवल हार्ट का यूज नहीं ज्यादा हो, हार्ट उससे क्या होगा, यदि हार्ट पंप ज्यादा करेगा तो ज्यादा ऑक्सीजन बॉडी को मिलेगी और बॉडी उसको कंज्यूम करेगी, क्योंकि रिक्वायरमेंट आपको जनरेट करना है। बेसिकली हार्ट को इंक्रीज करना रिक्वायरमेंट नहीं है, या हार्ट बीट को इंक्रीज करना रिक्वायरमेंट ही, रिक्वायरमेंट ये है कि आप फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं, बॉडी की रिक्वायरमेंट बढ़ा लें, तो हार्ट अपने आप इंक्रीज, क्योंकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू काम कर रहा है, हार्ट अपने आप इंक्रीज हो जाएगा, तो उसको बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। हार्ट बीट बढ़ाने के लिए नहीं कर रहे हम लोग, एनर्जी कंजम्पशन इंक्रीज कर रहे हैं। तो एनर्जी कंजम्पशन यदि इंक्रीज कर रहे हैं तो बॉडी के अंदर हार्ट रेट बढ़ेगा, और हार्ट रेट बढ़ने की वजह से जो आपके ट्राइग्लिसराइड है, आपके कोलेस्ट्रॉल है, वो अपने आप डिक्रीज होगा क्योंकि बॉडी उसको यूज कर रही है। और जैसे कि वरुण ने बताया कि खास बात ये है कि उससे ब्लड जब जब तक आप, मतलब ऐसी एक्सरसाइजेस जिसके अंदर उसकी रिक्वायरमेंट आ जाए, उस लेवल तक आ जाए, कार्डियो तक आ जाए, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आती है ब्रिस्क वॉकिंग। अब वॉकिंग और ब्रिस्क वॉकिंग में बहुत छोटा सा फर्क, बहुत छोटा नहीं, जमीन आसमान का फर्क है। ऐसे वॉकिंग में यदि आप बहुत आराम से चलते, जो टहलना घूमना टहलना वाला होता है ना कि हम सुबह से मॉर्निंग वॉक में जा रहे हैं, वो आपका हार्ट हेल्दी वॉकिंग नहीं है। कितने लोग जाते हैं घूमने, मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक, दो चार लोग तो जाते होंगे, यस सर, मॉर्निंग वॉक पे जाते मॉर्निंग वॉक हैं। में जाते हैं,
तो मॉर्निंग वॉक पे हम यूजुअली सारे लोग जाते हैं तो टहलने जाते हैं, है ना, बहुत आराम से वॉकिंग होती है, पर एक्चुअल में वो कार्डियो नहीं है, वो कार्डियो या कार्डियक हेल्थ के लिए या आपकी हेल्थ बेनिफिट के लिए तब मदद करेगा जब तक कि आप ब्रिस्क वॉकिंग नहीं करो। ब्रिस्क का मतलब फास्ट पेस वॉक, इतना फास्ट कि उससे यदि थोड़ा सा फास्ट करेंगे तो आप जॉग करने लग जाओगे, इतना फास्ट। तो तेज गति से चलना एक मेजर कार्डियो है, और ये मेजर कार्डियो दो जगह काम करता है। पहला अपन आगे आगे उसको देख लेंगे, जोन 1 जोन 2 जोन 3 वाला एक्सरसाइजेस को थोड़ा सा अपन टच कर लेंगे। इसके अलावा दूसरी जो एक्सरसाइज कॉमनली आती है वो आती है रनिंग। रनिंग जो है वो हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइज है, जबकि वॉकिंग है वो लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज है, आपके जो जॉइंट्स हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचाते। रनिंग जो है वो बहुत अच्छे फॉर्म के साथ किया जाना जरूरी है, और अच्छी ट्रेनिंग के साथ किया जाना है, मतलब बहुत स्लोली स्लोली इंक्रीज करना ज़रूरी है, प्रॉपर फॉर्म के साथ ज़रूरी है, प्रॉपर शूज़ है, प्रॉपर स्ट्रेचिंग है, प्रॉपर सारी चीज़ों के साथ में किया जाना जरूरी है, नहीं तो वो नुकसान आपको करता है। अच्छा, दूसरा ये है, ये हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज है, इसलिए होता क्या है कि लोग यूजुअली कंटिन्यू नहीं कर पाते। दो एक्सरसाइजेज लोग कंटिन्यू करते हैं, पहला तो ब्रिस्क वॉकिंग, यदि वॉकिंग आप कर रहे हैं डेली है, ज़्यादा हाई इम्पैक्ट नहीं है, लो इम्पैक्ट है, और दूसरा जो है वो है साइकिलिंग। साइकिलिंग भी लो इम्पैक्ट में आता है, आप 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर बड़े आसानी से साइकिल आप चला सकते हैं, जैसे कि आप 5 किलोमीटर आराम से वॉक कर सकते हैं। दोनों सर एक क्या बहुत अच्छे तरीके इवनिंग के, जी में, इवनिंग में क्या तेज वॉक कर सकते? क्यों नहीं कर सकते, अच्छा इवनिंग में भी वॉक कर सकते हैं, मैं बताऊंगा। यहाँ तक कि डॉक्टर्स ने रिकमेंड करते हैं, अब वो मेडिकल साइंस ये रिकमेंड करता है कि यदि आप कुछ खाते हैं, खाने के बाद में थोड़ा सा रेस्ट आपको देना, मतलब 10-15 मिनट का यदि आप रेस्ट देते हैं, और उसके बाद में यदि आप वॉकिंग करते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्योंकि जब आप खाना खाते हो ना, तो आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल एकदम से हाई हो जाता है, और ग्लूकोज बॉडी यदि आप बैठे हुए तो वो वापस कंज्यूम नहीं हो रही, और यदि आप वॉकिंग कर रहे हो, आप कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहे हो, है ना, खास करके ब्रिस्क वॉकिंग यदि आप कर रहे हो, तो वो ब्लड ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज होता है। डायबिटीज़ यदि अपन आगे वाले कहीं सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे ना, तो डायबिटीज़ के पेशेंट को स्पेशली बोला जाता है खाने खाने के बाद बैठना नहीं है, खाना खाने के बाद 20 मिनट 25 मिनट वॉक करो, क्या है, धीरे धीरे वॉक करो वॉक करो। तो होता क्या है कि वो बॉडी में वो लोग उसको यूज़ करते हैं, बॉडी क्या करती है, ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट जनरेट करती है, और ग्लूकोज बॉडी ब्लड के अंदर से कम हो जाता है, वैसे ही ट्राइग्लिसराइड भी कम हो जाता है। और ऐसी ही सारी एक्सरसाइजेस जिसको एक्सरसाइज में जोन 1 जोन 2 बोला जाता है। जोन 1 वो ब्लड की उसके हार्ट बीट के हिसाब से उसको थोड़ा सा मॉडिफाई चेंज किया गया है। जोन 2 एक्सरसाइज जो है ना, और अपन कभी एक्सरसाइज वाले में जाएंगे तो और डिटेल के अंदर डिस्कस किए कि जोन 2 एक्सरसाइजेस जो है वो सबसे अच्छी एक्सरसाइजेस मानी जाती है। कार्डियो एक्सरसाइज की ही बात कर रहा हूँ मैं, साइकिलिंग वॉकिंग स्किपिंग पर। जोन 2 है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट एक्सरसाइज नहीं है, एकदम ईजी भी नहीं है और एकदम डिफिकल्ट भी नहीं है, मतलब ऐसी एक्सरसाइज जहाँ पर आप एक्सरसाइज करते हुए साथ वाले से, जो यदि वो कोई साथ वाला आपके साथ रन कर रहा है, साइकिल कर रहा है, वॉकिंग कर रहा है, तो उससे आप आधे आधे सेंटेंस में, मतलब थोड़े थोड़े सेंटेंस के अंदर आप बात कर सको, आपकी सांस फूले नहीं, पर यदि वो आप बात कर सको तो वो जोन 2 के अंदर आता है। ये जितने स्मार्ट वॉचेस है ना, यदि आप उसमें एक्टिविटी ट्रैकिंग करते हो तो वो भी जोन 1 जोन 2 यूजुअली आपको बता देता है कि आप कौन से लेवल पे एक्सरसाइज कर रहे हो। जोन 2 का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि यदि जोन 2 30 मिनट से 60 मिनट के आसपास यदि आप कंटिन्यू जोन 2 एक्सरसाइज करते हो, तो शुरुआत के 15 से 20 मिनट आपके ग्लूकोज रिजर्व, मतलब जो भी शुगर है ब्लड के अंदर, शुगर जो है वो एकदम से कम हो जाते हैं बॉडी के अंदर, 20 मिनट 25 मिनट में वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है, और उसके बाद
बॉडी यूज करने लगती है ट्राइग्लिसराइड्स, मतलब फैट जो है वो यूज करने लगती है, वो बर्न करने लगती है। तो लिवर भी फैट बनाने लग जाता है उस टाइम में कि अब बॉडी को जरूरत है, अपने पास तो है नहीं, तो एक काम करो जहां पर भी एक्स्ट्रा फैट है वहां से उसको लो, ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट करो, ब्लड में डालो, वो यूज होने वाला है। तो यदि आप 30 मिनट से लेकर के 60 मिनट तक डेली डेली, मतलब डेली नहीं हो रहा है, थ्राइस इन ए वीक है ना, 4 टाइम्स इन ए वीक, यदि आप आधे घंटे की एक्सरसाइज, मतलब टोटल 180 मिनट पर वीक यदि आप एक्सरसाइज करते हो, जोन टू एक्सरसाइज, तो आपके हार्ट जो हेल्थ है वो मतलब डबल, जो रिस्क है वो आधी हो जाती है, जो हेल्थ है वो डबल हो जाती है, इतना इम्पैक्ट होता है केवल कार्डियो एक्सरसाइज, बाकी और कोई एक्सरसाइज की बात नहीं हो रही, केवल कार्डियो एक्सरसाइज की बात करो। और कोई से भी आप चूज कर सकते हो, आपकी चॉइस है। सबसे बेस्ट चॉइस जो है वो ये है कि आप ऐसी एक्सरसाइज करो जिसको कंटिन्यू कर पाओ लॉन्ग टर्म में, नहीं तो जिम हम लोग ज्वाइन करते हैं, 31 को रेजोल्यूशन दे लिया, 10,000 12,000 15,000 रुपये फीस जमा की और 2 दिन गए, तीसरे दिन बंद। क्यों? क्योंकि 2 दिन इतनी ज़्यादा एक्सरसाइजेस कर ली कि तीसरे दिन जाने का मूड ही नहीं था। तो एक्सरसाइज ऐसी करें या कोई सी भी रूटीन वाली ऐसी चीज़ें करें जिससे कि हार्ट अल्टीमेट, मतलब उसको आप कंटिन्यू कर पाओ, जो आपके लाइफस्टाइल के अंदर चेंज हो पाए। ऐसा नहीं है कि आज शुरू किया, 2 हफ्ते बाद बंद हो गया, फिर 2 महीने बाद फिर से शुरू किया, वो लाइफस्टाइल चेंजेस में नहीं आएगा। यदि आपने रूटीन बनाया है तो धीरे धीरे उसको डिफिकल्टी लेवल आपको इंक्रीज करना है। दूसरा जो फैक्टर बॉडी के अंदर आता है वो होता है खाना, और खाने में सबसे अच्छा है नहीं खाना, है ना? तो बेस्ट डाइट इज फास्टिंग। यदि आप कुछ नहीं खाओगे कुछ समय के लिए, मतलब ऐसी फास्टिंग जो 36 से 48 घंटे से ज़्यादा की है, फास्टिंग मतलब उपवास, यदि हमारे 48 घंटे से ज़्यादा का उपवास है तो वो नुकसान करता है। पर यदि आपका उपवास 12 घंटा, 24 घंटा, यहाँ तक कि 36 घंटे के भी जो फास्टिंग है यदि वो है, तो वो आपकी बॉडी के लिए बेनिफिशियल होती है। और फास्टिंग करती क्या है? फास्टिंग बेसिकली जो हम लोग कार्डियो के थ्रू जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं, फास्टिंग उसको रिलेटिवली स्लो करती है। फास्टिंग में आपने एक टाइम खा लिया, मॉर्निंग में खा लिया, आफ्टरनून में खा लिया, और उसके बाद लंबे समय तक आप खाना नहीं खा रहे हो, तो होता क्या है कि वो ग्लूकोज जो है वो धीरे 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 रिजर्व होकर के वो खत्म हो जा रहा है, और आप एक्टिविटी, कुछ डेली एक्टिविटी आपकी चल रहा है, पर बॉडी को अभी भी रिक्वायरमेंट है एनर्जी की, ग्लूकोज हो गया खत्म या लगभग एंड हो रहा है, तो फिर लीवर फिर से एक्टिवेट होता है, और वो जितने आपके फैट डिपॉजिट है उसमें से, और आपके बचे हुए ब्लड के अंदर बचा हुआ ट्राइग्लिसराइड हुआ, ब्लड के अंदर के बचे हुए जितने लिपिड्स हैं उसको यूज करने लग जाती है, और उससे वो एनर्जी जनरेट करने की कोशिश करती है। तो फास्टिंग इज अ बेस्ट 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 ईटिंग। और सर पर अभी अगर हम लॉन्ग हाँ सर पर अगर हम कुछ लॉन्ग टाइम तक नहीं खाते तब हाँ ऐसा होता है कि हमें ना पेट में बहुत ज्यादा जलन होने लगती है, या हमारे बॉडी में या हमारे स्टमक में कुछ एसिड सिक्रेट होते हैं, हाँ उसका क्या कनेक्शन है फिर इससे? यूजुअली क्या होता है कि शुरुआत में एडॉप्शन की तो जरूरत होती है ना, कि यदि आपने लंबे समय तक फास्ट नहीं किया हुआ है, मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन तक यदि फास्ट नहीं किया हुआ है तो प्रॉब्लमेटिक होता है, पर जैसे ही बॉडी आपका एडॉप्ट होता है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है कि एक एक चीज जा रही है दूसरी चीज आ रही है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का जो लेवल है वो डिक्रीज हो गया, एकदम कम हो गया, और बॉडी जो है शुरुआत में उसकी रिक्वायरमेंट जनरेट करती है कि नहीं अभी ग्लूकोज कम हो गया, एक काम करो कुछ ग्लूकोज वाला खिला दो। तो उसके लिए साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल जो है वो नीड, जो अपन यूजुअली बोलते हैं, वो रिक्वायरमेंट जनरेट हो जाती है।
पर यदि कुछ समय तक वो मिलता नहीं है तो बॉडी जो है वो अल्टरनेट सोर्स ढूंढने की कोशिश करती है। तो यदि वो अल्टरनेट सोर्स वो सर्च करने की कोशिश करती है ना, तो उसको ट्रांजिशन में थोड़ा सा टाइम लगता है। वो ट्रांजिशन जैसे ही हुआ वैसे ही आपका जो पेट का प्रॉब्लम जो है, यदि आपको एसिडिटी वाला इशू लगता है, वो सारी चीज़ें रिजॉल्व हो जाती है एक स्टेट के बाद में। यहाँ तक कि ये बोला जाता है क्योंकि आपके गैस्ट्रिक जूसेस भी तभी रिलीज होते हैं जब आप एक्सपेक्ट करो कि आप कुछ खाने वाले हो, है ना। आप अपना पेवलाव का डॉग याद होगा आपको, पवलोव का डॉग यस जो एक्सपेक्टेशन पे लार उसके लिए रिलीज हो रही है ना। सेलिवेशन जो है एक्सपेक्टेशन पे कि कुछ खाने को मिलने वाला है, उसी एक्सपेक्टेशन पे है। और केवल लार ही नहीं, आपके जो गैस्ट्रिक जूसेस है जो पेनक्रियाज रिलीज करता है वो भी इसी तरीके से है, वो एक्सपेक्टेशन पे काम करते हैं कि हाँ अब कुछ मिलने वाला है। और यदि उसको पता है कि कुछ नहीं मिलने वाला, मतलब हम लोग उस चीज को अनलर्न कर देते हैं क्योंकि बेसिकली फंक्शन वही है। यदि हम उसको अनलर्न कर देंगे तो वो जो एक्स्ट्रा एसिड जो जनरेट हो रहा है वो हर बार जनरेट हो रहा है, हर बार खाने के एक्सपेक्टेशन पे वो जनरेट हो रहा है, तो वो धीरे धीरे वो रिलीज कम होने लग जाता है। फूड भी नहीं मिल रहा है, एक्सपेक्टेशन भी कम हो गई है, तो डाइजेशन आपका फास्टिंग के जरिए है ना। और खास करके यदि आप फास्टिंग है ना सर्केडियन रिदम के थ्रू कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो, तो उसके थ्रू बहुत ज़्यादा फायदा करता है। यहाँ तक कि कार्डियक हेल्थ के अंदर, डायबिटीज़ के अंदर और वेट लॉस के अंदर, तीनों के अंदर फास्टिंग बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब मैं थोड़ा सा सर्केडियन रिदम वाला बता देता हूँ। सर्किट इन रिदम तो आप लोगों ने पढ़ा ही हुआ ना, के लिए क्या होता है सर्किट इन रिदम, कोई बताएगा? सर वो ऐसा था ना कि वो सनलाइट या फिर कुछ उससे कनेक्टेड था ना कि हमारी इनर क्लॉक रहती बिल्कुल है। बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। तो हमारे बॉडी के अंदर एक इंटरनल क्लॉक होती है ना, जो जो डे और नाइट उसके हिसाब से एडजस्टेड है। तो हम लोग इतने साल से, 5,000 10,000 साल से वही लाइफस्टाइल यूज करके आ रहे हैं। अभी हो सकता है आपने 100 500 सालों के अंदर चेंज हो गई, पर करोड़ों साल से वही चीज रूटीन है कि आप सवेरे 4 5 बजे उठते हो और जब तक शाम होती है तब तक आप जगते हो, और उसके बाद रात में पूरा नाइट जो है वो सोने का काम रहता है, वो रिलैक्स होने का काम रहता है। पर ये अभी अभी जो लाइफ स्टाइल हमारे चेंजेस आए हैं 100 200 साल के अंदर ही आए हैं, उससे बड़े ज़्यादा बड़े चेंजेस नहीं है। तभी से हम लोगों ने रात में जगना शुरू किया, नहीं तो रात में यूजली सोया ही जाता था। तो बॉडी इस तरीके से अडॉप्टेड है, सारे हार्मोन्स, इंसुलिन, आपका कॉर्टिजोल तक, सारे के सारे इस तरीके से अडॉप्टेड है कि वो मतलब सनसेट के बाद में बहुत कम हो जाते हैं, बहुत डिक्रीज हो जाते हैं, और सनराइज के बाद में वो एक्टिवेट होते हैं, और वो धीरे धीरे एक्टिवेट होते हैं, धीरे धीरे डीएक्टिवेट होते हैं। अब होता क्या है, यदि आप कुछ चीज़ कोई सी भी चीज़ कंज्यूम करते हो है ना, खाना यदि खा रहे हो, खाना यदि आप रात में खा रहे हो, 10 बजे खा रहे हो, 11 बजे खाना खा रहे हो, तो आपका जो इंसुलिन है वो तो डीएक्टिवेटेड है, वो स्लीप मोड में। तो एक चीज जो डाइजेशन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि जब तक इंसुलिन नहीं होगा तब तक बॉडी के किसी भी ऑर्गन को पता ही नहीं चलेगा कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज है। वो तो मैसेंजर है, वो तो इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है। तो यदि वो नहीं पहुंचा रहा है तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज हाई रहेगा, और वो हाई रहेगा तो वो सारी चीज़ें फ्लो के अंदर खराब करेगा। तो सर्केडियन रिदम यदि आप फॉलो कर रहे हैं, मतलब सनसेट टू सनराइज, इस टाइम में यदि आप नहीं खा रहे हो, इस टाइम में यदि आप फास्टिंग कर रहे हो, और यदि 2 घंटे आपने इधर इंक्रीज कर लिए, 2 घंटे आपने इंक्रीज इधर कर लिए, तो 12 घंटे का भी यदि आप फास्ट रख रहे हो, फास्ट का मतलब है नॉट ईटिंग एनीथिंग, नॉट ड्रिंकिंग एनीथिंग, दूध भी नहीं आप पी रहे हो, चाय भी नहीं पी रहे हो, है ना,
नींबू पानी भी, शरबत भी नहीं, आप नारियल पानी भी नहीं, कोई सी चीज इंक्लूडेड नहीं एक्सेप्ट वाटर और सर न्यूट्रल वाटर। न्यूट्रल वाटर, है ना, केवल पानी। और यदि बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट लगता है तो आप कॉफ़ी पी सकते हैं विद विदाउट मिल्क, विदाउट शुगर, कॉफ़ी, चाय कॉफी विदाउट मिल्क, सर। विदाउट शुगर, है ना, नींबू पानी विदाउट मिल्क नहीं डालते ऐसे भी उसमें विदाउट शुगर, है ना। विदाउट शुगर तो यदि वो आप कंज्यूम करते हो तो वो ठीक है, क्योंकि वो आपका न तो ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है, ना इंसुलिन लेवल बढ़ाता है, ना ही उसको डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी को गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रेट करने की जरूरत होती है, मतलब वो कैलोरीज में काउंट नहीं होता है। तो अल्टीमेटली क्या है, फास्टिंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ ईटिंग। अगला जो है, यदि आप खाना खा ही रहे होते तो खाना तो पड़ेगा ही, ऐसा तो नहीं है कि कंटिन्यूस अपन साधुओं जैसे फास्ट कर सकते हैं कि 3 महीना 4 महीना खाने नहीं खा रहे, है ना, या पोलर बियर जैसा नहीं कर सकते अपन कि 4 4 महीने हम लोग कहीं ना कहीं सो जाए, वजन आराम से कम होता जाए, तो कुछ ना कुछ तो हमको खाना पड़ेगा। तो मोस्टली पर सर यदि आप लॉन्ग टाइम तक भूखा रहना भी तो मतलब एक तरीके से गलत ही रहेगा। कितने टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक अगर हम भूखे हैं तो वो भी एक तरीके से गलत ही रहेगा। हाँ, पर आप डिफाइन करेंगे ना कि लॉन्ग टाइम किसको बोल रहे हैं। लॉन्ग टाइम मैंने बताया मोर देन 48 आवर्स इज अनहेल्दी। लॉन्ग टाइम का मतलब है कि 2 दिन से ज्यादा दिन यदि आप भूखा रहे तो कंटिन्यूअस बिना कुछ खाए हुए इज अनहेल्दी, है ना, क्योंकि उसमें बहुत सारे नुकसान होने की संभावना है। पर यदि आप 5 घंटे 6 घंटे तो भूखा रह सकते हो ना, मतलब 12 घंटे तो भूखा कम से कम रह ही सकते हो, और वो भूखा रहना नहीं है, वो है आपको पेट को रेस्ट दे रहे हो अल्टीमेटली, है ना। तो जब आप कुछ अगर खा रहे हो तो उसके अंदर यूजुअली वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, होल ग्रेन्स, मैं हार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली डिस्कस कर रहा हूँ, और आपके फर्मेंटेड फूड, ये यदि आप कंज्यूम करते हो ज़्यादा मात्रा में, कम मात्रा में यदि आप मीट कंज्यूम करते हो, एग्स कंज्यूम करते हो, मिल्क कंज्यूम करते हो, ये यदि बहुत कम लिमिटेड अमाउंट के अंदर यदि आप कंज्यूम करते हो तो वो हार्ट के लिए हेल्दी रहेगा, है ना, क्योंकि जितने भी एनिमल प्रोडक्ट्स हैं इंक्लूडिंग मिल्क, चीज़, घी सबके अंदर हाई कोलेस्ट्रॉल है, तो सर उसकी, एक और क्वेश्चन था हाँ सर, ऐसा कहा जाता है कि जो हाई प्रोटीन वाली हाँ चीजें हों उसे डाइजेस्ट करने में बहुत टाइम लगता है, तो इसका हार्ट से कुछ डायरेक्ट कनेक्शन या इनडायरेक्ट कनेक्शन? है तो सही पर पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं। पहली चीज समझना अपने को ये चाहिए कि जो जितनी जल्दी डाइजेस्ट हो रहा है वो उतना नुकसान वाली चीज है ना, और जितना लेट डाइजेस्ट, क्योंकि हम उल्टा सोचते हैं कि जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाए वो अच्छा है, जो लेट डाइजेस्ट हो जाए वो खराब है, नहीं, जो लेट डाइजेस्ट होता है ना, लेट डाइजेस्ट, डाइजेशन का बेसिकली मीनिंग ये है कि आपने जो चीज़ कंज्यूम की वो अल्टीमेटली ब्रेक डाउन होकर के ब्लड में कितनी देर में पहुंच रही है ना, वो है। यदि आप शकर खाते हो, प्योर शुगर खाते हो, है ना, मतलब सुक्रालोज जो टेबल शुगर है वो खाते हो, जिसके अंदर आधा, हाफ पार्ट ग्लूकोज होता है, हाफ पार्ट फ्रुक्टोज होता है ना, यदि वो आप कंज्यूम करते हो तो वो एकदम से इंस्टेंटली ब्लड के अंदर आपको सप्लाई पहुंचा देता है ग्लूकोज की, आधा सप्लाई तो ग्लूकोज का तुरंत वो पहुंचा देता है। तो होता क्या है कि वो फास्ट, वो क्विक डाइजेशन है, पर प्रोटीन जो है, कोई सा भी प्रोटीन है, उसका डाइजेशन स्लो होता है, यहाँ तक कि यदि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की हम यदि बात करते हैं ना, जैसे कि होल ग्रेन्स की बात करें, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या है वो शुगर ही, पर शुगर की लॉन्ग चेन्स है, तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए बॉडी को थोड़ी सी मेहनत करती है, करना पड़ती है, तो उसको ब्रेक डाउन करते हुए ग्लूकोज है वो धीरे 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 ब्लड के अंदर पहुंचता है, प्रोटीन में तो और धीरे धीरे पहुंचता है क्योंकि उसको और ब्रेक डाउन करने के लिए और मेहनत करना पड़ती है बॉडी को, तो उसमें और धीरे धीरे मेहनत करता है, तो ग्लूकोज बहुत धीरे धीरे कन्वर्ट होता है। अब धीरे से फायदा ये हो जाता है, एक एक आपने क्राइटेरिया सुना होगा, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स उनको बोलते हैं जो जो डायबिटीज के लिए खासकर अफेक्ट होता है, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसको बोलते हैं जो ऐसे खाना, ऐसे फूड
जिसको आप कंज्यूम करो और ब्लड शुगर एकदम से बढ़ जाए, हाई ग्लाइसेमिक, मतलब जो ग्लूकोज का लेवल है ब्लड के अंदर एकदम से बढ़ जाए, उसको हाई ग्लाइसेमिक बोलते हैं। और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है, जिसके अंदर आप कंज्यूम करो पर ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है एकदम से नहीं बढ़े, तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो फायदे वाली चीज़ मानी जाती। मतलब जो भी डायबिटीज़ का पेशेंट होगा उसको पहला रिकमेंडेशन है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड खाओ, ठीक है। उसमें यही सारी चीज़ें आ रही है, वेजिटेबल आ रहे हैं, फ्रूट्स आ रहे हैं, है ना, होल ग्रेन्स आ रहे हैं, फर्मेंटेड फूड आ रहे हैं, ये सारे के सारे। जो हाँ, डायबिटीज होते हैं उन्हें कहते हैं कि ज्यादा लंबी फास्टिंग नहीं कर सकते वो लोग, किनको? उनका डायबिटीज लेवल बढ़ जाता है जो डायबिटिक होते हैं उनके जी लिए, जी तो जी क्या बोलते हैं? ऐसा तो उन्हें कहते हैं कि लंबे समय की फास्टिंग नहीं रखें, नहीं तो क्या आपका डायबिटिक लेवल बढ़ जाएगा। नहीं, होता क्या है वो रिवर्स है, उल्टा है। डायबिटीज लेवल जो है, यदि आप फास्टिंग रहते हो ना, एक एक ब्लड का मतलब बेसिक मेजर ही है। डायबिटीज के दो मेजर्स हैं, डायबिटीज में मेजर आदमी करता है, एक होता है ब्लड शुगर, और ब्लड शुगर भी जो है वो दो तरीके से मेजर होता है, फास्टिंग ब्लड शुगर और रैंडम ब्लड शुगर या आफ्टर ईटिंग ब्लड शुगर। फास्टिंग का मतलब है आपने 4 घंटे 5 घंटे पहले कुछ नहीं खाया है, और उसके बाद आप यदि ब्लड का टेस्ट लेते हो तो वो फास्टिंग वाला लेवल आता है। फास्टिंग मतलब उपवास करने के बाद में आपका ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कितना है, और रैंडम कभी का आपने कुछ खाना वगैरह खाया हुआ तब उसका लेवल कितना है। तो फास्टिंग में 101%, मतलब आप कोई से भी स्टडी उठा लो, है ना, हमेशा फास्टिंग में जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है, जो शुगर का लेवल है, वो हमेशा कम ही मिलता है। तो फास्टिंग तो बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। कुछ जो फैक्टर्स है ना वो अलग मेडिकल साइंस के अंदर धीरे धीरे इंक्लूड होते जाते हैं, जैसे कि थायराइड, हाइपोथायराइडिज्म है, तो वहाँ वहाँ पिक्चर और ज़्यादा चेंज हो जाती है, क्योंकि जो रिलीज हार्मोन रिलीज करने वाली चीज़ें हैं वो उसको भी वो थायराइड अफेक्ट कर रहा है। पर नॉर्मल सेंस के अंदर यदि आप फास्ट कर रहे हो तो वो आपके हार्ट के लिए, यहाँ तक कि डायबिटीज़ के लिए भी वो हेल्पफुल रहता है। आगे यदि अपन बात करें, एक क्वेश्चन और सर, ये जानना चाह रही थी कि जैसे कई बार होता है कोई पेशेंट है जिसे डॉक्टर ने पहले से कोई मेडिसिन दे रखी है, तो वो फास्टिंग के दौरान मेडिसिन अपनी नहीं ले पाता है, फिर डॉक्टर हाँ ये बात ये सही कहते हैं है, कि भाई कुछ खा के आप मेडिसिन लीजिए, तो वो ऐसे में फिर क्या कर? हाँ। नहीं, होता क्या है, इंडियन बहुत सारे मिथ पाल करके बैठे रहते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा मिथ ये है कि आप कोई मेडिकेशन, क्योंकि मेडिकेशन जो है, दवाई जो है, डॉक्टर खाने के बाद और खाने के पहले इसलिए नहीं बोलता है कि वो खाना खाने के बाद ही चाहिए, है ना। एक्सेप्ट कुछ मेडिकेशन जो इंसुलिन जनरेट करने के लिए दी गई हो, या इंसुलिन कम करने के लिए दी गई हो, या के डायरेक्ट इंसुलिन यदि दे रहे हैं, उनकी बात नहीं मैं कर रहा हूँ ना, वहाँ अलग फैक्टर काम करता है, क्योंकि वो मेडिकेशन स्पेशली खाने के बाद इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि वहाँ ग्लूकोज हाई हो गया और ग्लूकोज को कम करने के लिए वो दे रहे हैं, उनकी मेडिकेशन की बात नहीं कर रहे हो। यदि बाकी दूसरे मेडिकेशन की आप बात कर रहे हो सर, कई बार जैसे हार्ट पेशेंट है उसे भी डॉक्टर कहता है कि भाई दवाइयाँ आप लंच नाश्ता करके लीजिए ब्रेकफास्ट हाँ होता क्या के है बाद। कि चीज़ें जो है, मेडिकेशन जो है वो स्पेसिफाई रहती है ना, टाइमिंग स्पेसिफाइड रहता है। और यूजुअली क्या होता है, डॉक्टर्स सबसे ज़्यादा, क्योंकि आप कितने बजे लंच करते हो, क्या एक रूटीन रहता है, तो वो रूटीन को मेंटेन करने के लिए वो आपको आफ्टर लंच वाली जो चीज़ें देता है, बिफोर लंच वाली भी जो मेडिकेशन है वो भी एंटासीड वगैरह, या फिर डाइजेशन बेटर करने के लिए, या गैस्ट्रिक जूसेस जो है उसको रिलीज, उसका जो रिलीज है उसको डिक्रीज करने के लिए जो देते हैं वो अलग अलग टाइम पे देते हैं। तो यदि मेडिकेशन आपका है तो आप हमेशा प्रेफर करके, जो भी मेडिकल प्रोफेशन है उससे आप कंफर्म कीजिए कि सर मैं फास्टिंग में हूँ, यहाँ से यहाँ तक फास्टिंग पीरियड के अंदर हूँ, अब क्या करना है ना, क्योंकि वही आपको बेस्ट सजेशन दे सकता है, क्योंकि स्पेसिफिकली मेडिकेशन के हिसाब से सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। हो सकता है वो मेडिकेशन ऐसे इम्पेक्ट कर रहा हो कि आपके ग्लूकोज लेवल को डायरेक्टली इम्पेक्ट करने के लिए ही वो दे रहे हो, तो फिर वो आपका एक फास्टिंग के साथ क्वेश्चन मैच आ नहीं रहा, करेगा। यदि वो दूसरी चीज़ों के साथ वो कर रहे हैं तो डॉक्टर आपको खुद सजेस्ट करेंगे कि किस तरीके से उसको
मेंटेन करना है, किस तरीके से उसको लेना है, ठीक है। क्वेश्चन और था, जनरली वो ऐसा कहते कि जैसे डॉक्टर ने आपको दवाई दी, तो अगर जैसे आज आपने सुबह 9 बजे ली, तो नेक्स्ट डे फिर आप 9 बजे ही लें, क्या आगे पीछे किया जा सकता है टाइम को, अगर हार्ट से रिलेटेड ये मैं दवाई नहीं है बता तो? पाऊंगा, ये आपको आपका डॉक्टर, हाँ ये आपको डॉक्टर ही बता पाएगा। नहीं, ऐसा मैंने इन सुना जनरल, था, सर हाँ इन इसलिए जनरल मैं जानना बता देता हूँ, चाहूंगी। इन जनरल होता है कि जितनी मेडिकेशन दवाइयाँ होती है ना, उनकी एक हाफ लाइफ होती है। हाफ लाइफ का मतलब ये होता है कि उसका इम्पैक्ट होता है, वो कितनी ड्यूरेशन का होता है। अलग अलग दवाइयों का अलग अलग ड्यूरेशन रहता है। मैक्सिमम जितनी दवाइयाँ होता है 8 घंटे वाली ड्यूरेशन वाली होती है ना, कि 8 घंटे की आपने मेडिकेशन ली, फिर अगली 8 घंटे ली, फिर अगली 8 घंटे, तो 8 तीन 24, 24 घंटे का साइकिल आपका कंप्लीट हो जाता है। वो जो है 3 टाइम्स इन ए डे लेना पड़ता है, 3 दिन में मतलब दिन में 3 बार लेना होता है। पर ओवरऑल क्या है, हम लोग कभी भी, मतलब यहाँ तक कि यदि आप हॉस्पिटल में एडमिट भी हो गए ना, तो भी 8 घंटे की ड्यूरेशन से बहुत सीवियर इलनेस होगी तो भी 8 घंटे की ड्यूरेशन से कोई नहीं देता है। यदि आप सुबह 6 बजे ले रहे हो, तो 6 में बिल्कुल आठ ठीक आठ घंटे यदि कह जोड़कर रहे आप लोगे, तो डॉक्टर भी नहीं देगा 8 घंटे से। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा बहुत ड्यूरेशन है, वो अप डाउन चलता था, तो वो जो +-1 आवर है वो हमेशा फॉरगिवेबल रहता है, क्योंकि हाफ लाइफ तब तक रहती है कि एक दो घंटे तक वो मेडिकेशन जो है वो बियर कर सके, है ना, वो चल सके, काम कर सके। ठीक है, हैं। थैंक यू ठीक सर, है, आप थोड़ा थोड़ा सा सा मैंने मैंने उस उस टॉपिक टॉपिक से से हट हटके के क्वेश्चन क्वेश्चन पूछ पूछे। लिया, ठीक है, सॉरी कोई सर। दिक्कत नहीं। इसके बाद बात करता हूँ, मैं थोड़ा सा ब्रीफली टच कर रहा हूँ, अपन खत्म कर रहे हैं इसके बाद सेशन। खाने के अंदर बाकी सारी चीज़ें पता है आपको, पर ये जो फर्मेंटेड फूड है इसको यूजुअली हम लोग डिस्कस नहीं करते। फर्मेंटेड फूड में केवल और केवल हम लोग कौन कौन से फर्मेंटेड फूड आते हैं, केवल एक आपका दही डिस्कस करके खत्म कर देते कि दही है एक फर्मेंटेड फूड, खत्म हो गया। पर फर्मेंटेड फूड के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं और जो हमारे लिए फायदेमंद होती है। सर इंडियन के जो अंदर जैसे यदि, मसाला इंडियन के अंदर अपन यदि देखें, फिर फॉरेन वाले के अंदर देखें, डोसा इडली वगैरह बनाते हैं, वो बिल्कुल फूड भी बिल्कुल, फर्मेंटेड डोसा फूड। आपका, इडली हुआ, जो जो हम खमीर करते हैं, वो सारी चीज़ें फर्मेंटेड आते हैं। तो डोसा आपका हुआ, इडली आपका हुआ, वो फर्मेंटेड फूड के अंदर आएगा। इसके अलावा यदि कोई केरल वाला है, तो एक आता है, एक डिश आती है जिसको बोलते हैं पलैया सूप, है ना, वो राइस का फर्मेंटेड रहता है, तो वो आप कंज्यूम कर सकते हो। यदि कोई महाराष्ट्र का है, तो कोई है महाराष्ट्र का? नहीं, महाराष्ट्र में एक डिश बनती है कांजी करके, ड्रिंक बनता है, वो भी एक फर्मेंटेड ड्रिंक के नो अंदर आइडिया आता है। सर, हाँ कांजी वड़ा बनता है, वो वड़ा डाल के खाते हैं उसमें। हाँ पर कांजी क्या, कैसे बनता है? सर वो फर्मेंटेड शायद राई राइस को धूप में कुछ वो करके नहीं, बनाते नहीं हैं कुछ वो ऐसा। कैरेट्स और चुकंदर आपका है ना, उसका जूस बना करके उसको कुछ टाइम के लिए फर्मेंट करके रखते हैं। और फर्मेंटेशन बेसिकली जो लैक्टोबेसिलस बैक्टीरिया है, गुड बैक्टीरिया है, उसके रीजनरेशन के थ्रू होता है। थोड़ा सा उसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा खटास आ जाता है, लड़कियों को खासकर अच्छे से पसंद आता है, क्योंकि वो खटास वाला जो टेस्ट है वो बड़ा प्यारा लगता है, वो अच्छा लगता है। वो किसके जैसा लगता है? वो आपका इमली जैसा टेस्ट देता है। तो बहुत सारे फर्मेंटेड जो डिश है वो हर जगह, हर कंट्री के अंदर कंज्यूम किए जाते हैं। एक जो डिश है, जो कोरियन डिश है, जापान में कॉमनली यूज होती है, चाइना में यूज होता है, बेसिकली कोरियन डिश है ना, इंडिया में भी मिल जाएगी, मेरे घर पे भी मिल जाएगी बनी हुई, उसको बोलते हैं किमची। किमची बेसिकली एक सलाद ड्रेसिंग के जैसा होता है, खास करके वो उससे बनता है, क्या बोलते हैं आपका, पत्ता गोभी से बना हुआ रहता है, थोड़ा सा तीखा होता है और खट्टा भी होता है, क्योंकि वो फर्मेंटेड होता है। इसके अलावा एक डिश होती है जिसको बोलते हैं कंबुचा, सुना है किसी ने कंबुचा? कंबुचा नहीं सर, सर आप बहुत नए है नए एक नाम ला रहे हो। फर्मेंटेड फर्मेंटेड टी है, चाय जो अपन बनाते हैं ना, शक्कर और चाय पत्ती डाल करके, जिसके अंदर दूध नहीं डाला हुआ है, और उसको कुछ टाइम के लिए फर्मेंट करने के लिए रखते हैं। जैसे कि दही का हमारा जमावन होता है, उसका भी जमावन टाइप का एक आता है जिसको स्कूबी बोलते हैं,
वो डाल करके कुछ समय सर के लिए रख देना। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जनरेट करने के लिए। हाँ, बैक्टीरिया जनरेट करने के लिए और गुड बैक्टीरिया जनरेट करने के लिए जो जो एसिटिक इन्वायरमेंट में रह सके, लैक्टोबैसिलस खासकर लैक्टोबैसिलाई जो है वो जनरेट करने के लिए रहता है, जो गट को जो है ना बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाते हैं। वैसे ही एक आद क्या हाँ फर्मेंटेड फूड जो होता है इसमें विटामिन B12 भी होता है क्या सर? इसमें विटामिन मैंने बी ट्वेल्व होता है और सुना सबसे ज़्यादा जो होता है ना विटामिन के होता है, K2 जो है ना वो सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। विटामिन डी जो है वो भी बहुत, क्योंकि विटामिन K2 जो है विटामिन डी का प्रीकर्सर है, तो यदि डी की अक्सर लोगों को डी की कमी मिलती है तो वो डी की कमी वो पूरा कर सकते हैं। खास सर, ये कि हम B12 सारे का के भी सारे मैं खट्टे भी सुनती होते हैं तो हूँ मामा। विटामिन सी जो है उसकी भी कमी बहुत अच्छे से पूरी करते हैं। क्या पूछ रहे थे? हाँ सर, विटामिन B12 भी होता है क्या सर इसमें नहीं, फर्मेंटेड फूड बी में? ट्वेल्व नहीं, मुझे नहीं पता है कितनी मात्रा में होता है, पर सी का पता है मुझे और विटामिन K2 का पता हुआ ना। ओके सर, इसके बाद खटाई वाली चीजों में सी और के कंपलसरी होता है ना। हाँ, सी और के कंपलसरी होता है। सी और के इसमें है ना, इसमें भी कंपलसरी है। K2 किमची, K2 कम्बुचा, K2 केफिर है ना, तो के से याद सर रखना अच्छी चाहिए। ट्रिक है याद रखने के लिए। हाँ है ना, ये दूध का दही जैसा फर्मेंटेशन होता है, कीफर जो बोलते हैं, मिल्क कीफर बोलते हैं, ये भी दही जैसा ही जमता है, थोड़ा सा ज़्यादा खट्टा लगता है। ये दही जैसा थोड़ा सा ज़्यादा जमा हुआ दही रहता है वैसे लगता है। और अपना ओल्ड स्कूल योगर्ट दही है ना, ये सारे के सारे फर्मेंटेड फूड के अंदर आते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे ज़्यादा होता है स्ट्रेस, जो कि शुरुआत में अपन ने इमोशन और ये सारी चीज़ों के साथ में चीज़ें डिस्कस करी थी। तो होता क्या है कि यदि स्ट्रेस हमारी लाइफ के अंदर है और हम उसको मैनेज नहीं कर रहे, तो आप कितना भी अच्छा खा लो, कितना भी उपवास कर लो, कितनी भी एक्सरसाइज कर लो, कितना भी मेडिकेशन कर लो है ना, कितनी भी दवाइयाँ खा लो, वो सारी चीज़ें मैनेज नहीं होगी, क्योंकि अल्टीमेटली कॉर्टिसोल बढ़ा हुआ है, कॉर्टिसोल बढ़ने की वजह से स्ट्रेस बढ़ा हुआ है, स्ट्रेस की वजह से कॉर्टिसोल बढ़ा हुआ है और हार्ट के इश्यूज उससे मेंटेन होते जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे। उसको कम करने के लिए सबसे पहले आपको स्ट्रेस कम करना पड़ेगा। तो स्ट्रेस जो है उसको कम करने के लिए बहुत सारी टेक्निक यूज़ करते हैं, उसको कोपिंग मैकेनिज्म बोला जाता है ना। अब कोपिंग मैकेनिज्म के लिए एक पूरा सेशन हम लोग रखेंगे, हमारे पास बहुत सारे गेस्ट जो लेक्चर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, वो उनके थ्रू अपन हेल्प लेंगे। मैं ब्रीफली आपको बता रहा हूँ, स्ट्रेस मैनेजमेंट के अंदर या कोपिंग स्ट्रेटजीज के अंदर तीन चीज़ें बेसिकली ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, क्योंकि यदि आपके लाइफ के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आपको उसको अच्छे तरीके से क्लियर वे के अंदर समझना पड़ेगा। अक्सर क्या होता है कि हम कोई सी भी चीज़ को सोचते हैं, कोई भी स्ट्रेस सोचते हैं, उसका हम लोग डर करके या तो गलत अर्थ निकाल लेते हैं या गलत प्रिडिक्शन निकाल लेते हैं। एक होता है फ्यूचर ट्रेलिंग और कैटेस्ट्रोफाइजेशन, जिसके अंदर हम सोचते हैं कि अरे पता नहीं क्या हो जाएगा, ये पता नहीं क्या होगा, उस चीज़ से डर करके फिर हम लोग उसको एक्ट आउट ही नहीं करते, मतलब उसको हैंडल ही नहीं करते सिचुएशन को। और लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट में, सारी जगह आप कहीं पे भी जाओगे, स्ट्रेस मैनेजमेंट में पहले बताते हैं मेडिटेशन करो, दूसरा बताते हैं रिलैक्सेशन टेक्निक्स है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो, मेडिटेशन करो, योगा करो, पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो माना जाता है, क्योंकि ये सेकेंडरी है, प्राइमरी है कि जो प्रॉब्लम फोकस कोपिंग होती है, जिसको बोलते हैं कि जो चीज़ स्ट्रेस जनरेट कर रही है। मान लो कि आपका और परिवार वालों का कहीं झगड़ा चल रहा है, बातचीत चल रही है ना, तो आप कितना भी मेडिटेशन कर लो वो झगड़ा सॉल्व नहीं होगा, या आपके फैमिली मेंबर से हस्बैंड वाइफ के अंदर बात नहीं हो रही है ना, ये झगड़ा हो रहा है, तो आप कितनी भी मेडिटेशन कर लो, कितना भी रिलैक्सेशन कर लो, जितनी भी कर लो, वो चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही, या जॉब यदि आपको नहीं मिल रही या कुछ अचीव नहीं कर पा रहे हैं, कोई सा भी स्ट्रेस है, सबसे अच्छा स्ट्रेस मैनेजमेंट का सॉल्यूशन ये होता है कि आप वो जो स्ट्रेस क्रिएटिंग सिचुएशन है
प्रॉब्लम क्रिएटिंग सिचुएशन है उसको डायरेक्टली हैंडल करें, और यदि वो आपके हाथ में नहीं है तब दूसरी चीजें आपके आएंगे, पहले कोशिश तो कर लें। तो यदि कोई से भी सिचुएशन आपके सामने आती है जो स्ट्रेसफुल है, उसको आगे न टालते हुए कोपिंग का सबसे बड़ा मेथड होता है प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग, मतलब आप प्रॉब्लम पे ध्यान दो कि इसको कैसे रिजॉल्व कर सके, और केवल वही है। प्रॉब्लम फोकस का मतलब ये नहीं है कि प्रॉब्लम पे फोकस करके बैठ जाओ कि ये प्रॉब्लम ऐसी है, इसका ऐसा है, इसका ऐसा है, नहीं। प्रॉब्लम फोकस का मतलब है प्रॉब्लम पे फोकस करते हुए उसके सॉल्यूशन को ढूंढने की कोशिश करें, और सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें। बहुत सारे सॉल्यूशन अवेलेबल है, तो यदि आप प्रॉपरली थॉट देंगे, कोई सा भी एग्जांपल यदि आप ले हुए ना, तो यदि आप प्रॉपर थॉट दोगे तो उसको आप प्रॉपरली हैंडल कर सकते हो, अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हो। और उसके बावजूद यदि वो चीज़ नहीं हो पा रही, मतलब आपके कंट्रोल से वो चीज़ यदि बाहर है, तब जा कर के आप उसको इमोशनल फोकस कोपिंग पे आप फोकस करते हो कि आप टेंशन है, आप टेंशन को कम कर ले, क्योंकि जो स्ट्रेस है उसको नहीं कम कर पा रहे। पर यदि आप शुरुआत में ही अपने प्रॉब्लम्स लेकर के मेडिटेशन करने लगे, ये करने लगे, जर्नलिंग करने लगे, ये सारी चीज़ें करने लगे, तो वो सिचुएशन हमेशा मेंटेन रहेगी। कल परसों में एक एग्जांपल किसी को दे रहा था कि मान लो एक लड़की है, उसका जो हस्बैंड है, या एक औरत है जिसका उसका हस्बैंड है, उसको उसको ढंग से बिहेव नहीं करता है, रोज मारता पिटता है। अब एक पर्सन है, उसके दो फ्रेंड्स हैं, एक पर्सन है उसको सलाह ये दे रहा है कि एक काम करो, इसको छोड़ो, तुम इंडिपेंडेंट हो, तुम कमा सकते हो, ये कर सकते हो, तुम इंडिपेंडेंट रहो या इसको कन्फ्रंट करो। दूसरा पर्सन उसे सजेस्ट कर रहा है कि नहीं नहीं वो तो ऐसा ही करेगा, एक काम कर तू है ना जिम ज्वाइन कर ले, तू बिजी रहेगी, तू योगा ज्वाइन कर ले, तू बिजी रहेगी, या तू अपने बच्चों में ध्यान लगा, तू वो रहेगी। अब कौन सा तरीका आपको ज़्यादा फ्रूटफुल लगता है, कौन सा ज़्यादा प्रॉब्लम ओरिएंटेड है, या उसके स्ट्रेस को सही में कम करेगा? जिम जाने से नहीं, बच्चों को देखने से नहीं हुआ, क्योंकि उसके दिमाग में वो चलता रहेगा जब तक कि उसको या तो वो जिस वजह से प्रॉब्लम हो रही है उसको हैंडल करे, बैठ के बात करे। ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ना ही सॉल्यूशन नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, है ना। तो दोनों तरीके से, यदि प्रॉब्लम ओरिएंटेड या प्रॉब्लम फोकस कोपिंग से प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है तो उससे करें, उसके बाद यदि नहीं हो पा रही है, एडॉप्टेशन करने की ज़रूरत है, एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है, तब वो उसको एक्सेप्टेंस पे लाएं, और उसके बाद जो भी आप लोग हम लोग इमोशन को कंट्रोल करने के लिए करते हैं, मेडिटेशन करें, जर्नलिंग करें, है ना, एक्सरसाइज करें, जो भी चीज़ें करें, कुछ प्रोडक्टिव करें, वो करने की हम लोग कोशिश करते हैं, तो उसके थ्रू आप स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं। पर प्राइमरी मेथड जो होगा वो प्रॉब्लम फोकस होना चाहिए कि आप प्रॉब्लम को हैंडल करें, उसको मतलब एक बार हटा दें कि ये प्रॉब्लम है, चलो इसको ख़त्म ही कर देते, दूसरी बार आएगी ही नहीं कभी, और दूसरी बार चाहे वो प्रॉब्लम आ जाए या उसके जैसी कोई प्रॉब्लम आ जाए, आपको तो आता है ना पहले से कि आपने उसको पहले इस तरीके से हैंडल किया था और हो गया था, तो अगली बार भी आप उसको अच्छे से हैंडल कर सकते। तो यहाँ मैं अपना सेशन ख़त्म कर रहा हूँ। और भी बीच बीच में आपने ऐसे क्वेश्चन पूछ ही लिए थे, यदि और भी किसी के क्वेश्चन है तो हम लोग उसको कैटर कर सकते हैं अभी। थैंक यू सर, वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन। और कोई क्वेश्चन है सर? आगे जो आपके सेशन होंगे वो भी क्या इसी तरह से गूगल मीट पर ही होंगे? अभी तो प्लान कुछ करा हुआ नहीं है, देखते हैं। कौन सर, बोल रहा है? सर तो कोशिश कीजिएगा कि हमें भी ज्वाइन करवाएं आप, आपके जो भी सेशन हो उनमें। मैंने क्या है, सेमिनार हम एकेडमीट के थ्रू ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, एक एप्लीकेशन है उसके थ्रू ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो उसमें आप रजिस्ट्रेशन करेंगे ना तो आपको लिंक वगैरह ये सारी इन्फॉर्मेशन पहले से मिल जाएगी, है ना।
तो इस बार तो मैंने सर आपने जो नंबर ऑफ ग्रुप पर स्टूडेंट्स भेजा था काउंट उसमें मैंने थे रजिस्ट्रेशन कर लिया सर अपना, कब, आपने जो ग्रुप पर भेजा था सर अभी 2-3 दिन पहले। हाँ आपने किया ना रजिस्ट्रेशन, जी सर, हाँ तो बढ़िया तो है, उसी से क्या प्रूव होगी आगे ना। इन्फॉर्मेशन आपको उसी पे मिल जाएगी, है जी, ना। ओके ओके, थैंक यू सर। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई सवाल? नो सर। नहीं, बस सर जितने भी चलिए, क्वेश्चन थे हमने उसी टाइम पूछ उसी लिए। टाइम पूछ लिया। अच्छा, बढ़िया। चलिए ठीक है। जितने लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है और जिन लोगों ने अटेंड किया हुआ है अपना ये वाला सेमिनार, उन सारे लोगों को हम लोग अभी सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं, है ना, ज्वाइनिंग वाला, कि आपने ये सेमिनार अटेंड किया है। और वरुण, यदि आप अवेलेबल हो 2 मिनट के लिए, नहीं चले ठीक है, तो